अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल फाइव ओवर बाय अमनाशा। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए इंस्पेक्टर अहमद यार खान की एक और सनसनीखेज तफ्तीशी कहानी सुनते हैं। दूसरी जंग अजीम का दूसरा साल था। हिंदुस्तान की चूंटियों के पर निकल आए थे। ये पर फौजी सामान सप्लाई करने की ठेकेदारियों ने मुहैया किए थे। पूरा हिंदुस्तान फौजी कैंप बन गया था। जिस किसी ने फौजी नौकरी की कभी सोची भी नहीं थी वो भी भर्ती हो गया। फौजी भर्ती का मायार सिर्फ ये रह गया था कि जवान चलने फिरने और राइफल उठाने के काबिल हो। सप्लाई की ठेकेदारियों का ये आलम था कि दर्जी सुबह शाम वर्दियाँ तैयार करते रहते थे, बड़ई लकड़ी के खोके बनाते रहते थे, रात मजदूर छावनियों में बारीकें बनाते दिखाई देते थे। जगह जगह आरसी हवाई अड्डे बनने लगे, बेरोजगारी खत्म हो गई और घरों में पैसा आम हो गया। जिन लोगों ने बर्तियाँ, लकड़ी के बक्से और दीकर सामान सप्लाई करने के ठेके ले लिए वो रात ही रात लखपति हो गए। इनमें बिल पास करने वाले देसी अफसरों और क्लर्कों को रिश्वत ने दौलतमंद बना दिया। जंग से पहले का परसा दुकानदार, जंग के दूसरे साल लाला परसराम मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर एंड सप्लायर बन गया। नपू तरखान, हाजी नबी बख्श एंड सन्स बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर एंड सप्लायर बराए बिल्डिंग मटेरियल बन गया। इतनी ज़्यादा दौलत ने इन लोगों के दिमाग ख़राब कर दिए, जिनके तसव्वुर में भी कभी इतनी ज़्यादा दौलत नहीं आई थी। इस कबील के मुसलमान, हिंदू और ईसाई देसी अंग्रेज बन गए। उन्होंने अपनी बेटियां आज़ाद कर दीं और वो अंग्रेज़ अफसरों से मिलने जुलने लगीं जो नौ दौलतिये शादीशुदा थे। उन्होंने पुराने मॉडल की बीवियों से बदसलूकी शुरू कर दी। खुसूसन मुसलमानों में तलाकों और दूसरी शादियों के वाकयात ज़्यादा हुए। मुसलमानों के पास जब दौलत आती है तो वह सबसे पहले दूसरी शादी की सोचता है। जब दूसरी जंग अजीम में हिंदुस्तानियों के पारे न्यारे हो गए तो जुराइम भी ज़्यादा हो गए। ये वारदात जो मैं आपको सुनाने लगा हूँ जंग अजीम के खसूसी केसों में से एक है। ये वारदात उन लोगों के लिए हैरान कुन नहीं होगी जिन्होंने जंग अजीम का ज़माना देखा और जिन्हें उस वक्त की हिंदुस्तानी सोसाइटी का इनकलाब अच्छी तरह याद है। हिंदुस्तान की एक छावनी का थाना मेरे पास था। एक रोज़ थाने में एक कार आई, इसमें से एक हिंदू निकला। वो MES का ठेकेदार था। ये तो आपको मालूम होगा कि MES फौज का एक महकमा है जिसे ठेकेदारों का महकमा कहा जाता है। जंग अजीम में जिस कदर लूट खसोट और रिश्वत इस महकमे में हुई थी वो शायद ही किसी और महकमे में हुई होगी। अब भी ये महकमा सोने की कान है। हिंदू जंग से पहले भी पाए का कारोबारी आदमी था। जंग में MES की ठेकेदारी ने उसे कार और बहुत बड़ी कोठी दे दी। उसने ये रिपोर्ट दी कि उसकी जवान और गैर शादीशुदा बेटी जिसकी उम्र 23 साल थी गुज़िश्ता 3 दिनों से लापता है। मैंने पहला सवाल ये किया, किसी को चाहती होगी? नहीं, उसने जवाब दिया। अगर ऐसी बात होती तो मैं रिपोर्ट दर्ज कराने ना आता। वो आखिर बालिग है, मुझे कोर्ट में जलील कर सकती है। उसे अगवा किया गया है और ये भी खदशा है कि उसे कत्ल कर दिया गया हो। अगवा और कत्ल की वजह? मेरी किसी के साथ दुश्मनी नहीं, उसने जवाब दिया। मैंने सिर्फ खदशे का इजहार किया है। खदशे का कोई बायस और कोई जवाब होना चाहिए, मैंने कहा। या यूं करें कि किसी पर आपको शक है तो उसका नाम पता बता दें। वो खामोश रहा, बेचैन मालूम होता था। मैंने कहा, रकाबत भी एक वजह हो सकती है। यह भी हो सकता है कि आपने लड़की का रिश्ता कहीं और तय कर दिया हो जो लड़की को पसंद ना हो और वो किसी ऐसे आदमी के साथ चली गई हो जिसे आप जानते ही ना हो। रिश्ता तो उसे कोई भी पसंद नहीं, उसने रंजीदा से लहजे में कहा। कहती है कि अपनी पसंद की शादी करूंगी, लिहाजा मैंने इसके रिश्ते के मुतालिक सोचना ही छोड़ दिया है। तो इसका मतलब यह हुआ कि लड़की आज़ाद है, मैंने कहा। बल्कि सरकश और बाकी कहा जाए तो मुनासिब होगा, यानी जिस लड़की के आगे बाप ने भी हथियार डाल दिए हैं वो सरकश ही होगी ना। ज़रूरत से ज़्यादा सरकश है, उसने जवाब दिया। और उसने झिझक कर कहा, और वो गैर मामूली तौर पर खूबसूरत है। उसने एक लिफाफे में से दो तस्वीरें निकाल कर मेरे आगे रख दी
दोनों लड़की की थी। पोज मुख्तलिफ थे, एक सामने का और एक पहलू का यानी प्रोफाइल। वो वाकई गैर मामूली तौर पर खूबसूरत थी। मैं सिर्फ ये मालूम करना चाहता हूँ कि वो कहाँ है, लड़की के बाप ने कहा। जिंदा है और वो जहाँ कहीं है वहाँ अगर अपनी मर्जी से गई है तो मैं मजबूर हूँ, आप भी मजबूर हैं। मुझे ये तसल्ली तो हो जाएगी कि वो जिंदा है और जहाँ भी है वहाँ खुश है। इसके आंसू निकल आए। उसने कहा, ये मेरी पहली बच्ची है, इसके साथ मुझे इतना प्यार है जितना अपने दो बेटों से भी नहीं। मैंने जहन में नोट कर लिया कि लड़की बेजा प्यार से बिगड़ी हुई है। ऐसे बच्चे जवान होकर मनमानी किया करते हैं। मैंने पूछा, इससे पहले कभी एक या दो दिनों के लिए गैर हाजिर रही है? नहीं, उसने जवाब दिया। सोशल लड़की है, कभी कभी रात ज़रा देर से आती है लेकिन आ जाती है। सोशल है? मैंने कतरे चौंक कर पूछा, इसकी वजाहत करते हैं, किस किस्म की सोसाइटी में जाती है? मेरा ज़्यादातर ताल्लुक फौजी अफसरों के साथ है, उसने जवाब दिया। मैं इनकी पार्टियों वगैरह में जाता रहता हूँ। कुछ अफसरों को मालूम था कि मेरी बेटी जवान है और बीए है। उन्होंने कहा कि हर पार्टी में औरतें आती हैं, इनमें अंग्रेज़ औरतें भी होती हैं, इसलिए अपनी बेटी को साथ ले आया करो, ताल्लुकात पढ़ेंगे। मुझे अब इस गलती का एहसास हो रहा है कि मैंने इसे पार्टियों वगैरह में ले जाना शुरू कर दिया। लड़की बड़ी होशियार निकली। फिर उसने खुद पार्टियों वगैरह में जाना शुरू कर दिया? मैंने पूछा। जी हाँ, उसने कहा। उसने दो तीन दिनों में इंग्लिश डांस सीख लिया था। मुझे अब ज़्यादा सवाल करने की ज़रूरत नहीं थी और ये पूछना तो मैंने ज़रूरी ही नहीं समझा कि लड़की का चाल चलन कैसा है। वो तो साफ जाहिर था कि कैसा होगा। गर्मियों का मौसम था, मुझे ये शक हुआ कि किसी अफसर या अफसरों के साथ किसी पहाड़ी मकाम मसलन शिमला मिसूरी या डलहौजी चली गई होगी। इसके बाद मेरे दिमाग में एक और जगह आई जहाँ उसके जाने का इम्कान था। ये जगह थी किसी महाराजे या नवाब का हरम। आजकल तो ये महाराजे और नवाब भूखे मर रहे हैं। अंग्रेज़ों की बादशाही में ये लोग भी बादशाह थे, अपनी अपनी रियासत में शहनशाह थे। इनके पास अंधी दौलत थी, इनके एजेंट घूमते फिरते रहते थे। जहाँ कोई खूबसूरत लड़की नजर आई उसे हरम के लिए फांसने या ख़रीदने की कोशिश करते थे। बड़ी बड़ी तरहदार लड़कियाँ किसी नवाब साहब की चहेती बेगम बल्कि रानी बनने के लिए घर से भाग जाती थीं। हरम में जाकर इन्हें पता चलता था कि इन जैसी बीसियों लड़कियाँ महल की कैदी और बेनिकाही बीवियाँ बनी हुई हैं। मुझे डर था कि अगर वो भी रानी बनने के झांसे में आ गई है तो फिर इसका सुराग भी नहीं मिलेगा। बरामदगी और वापसी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। मैंने उसके बाप से इस खतरे का जिक्र कर दिया। उसने कहा, आप ये सुराग लगा दें कि कौन से महाराजे या नवाब के पास है। मैं फौज के अंग्रेज़ अफसरों का असर इस्तेमाल करके उसे वहाँ से निकलवा लूँगा। उसने ज़रा सोच कर कहा, आप अगर इसमें ज़ाती दिलचस्पी लें तो मैं आपको इतनी ज़्यादा फीस दूंगा जितनी आप मांगेंगे। मेरी रिपोर्ट रजिस्टर करें या ना करें यह आपकी मर्जी है, इसे प्राइवेट केस समझें। मैंने उसे बताया कि ये मेरा फ़र्ज़ है जिसकी मैं कोई फीस नहीं लूँगा। उसने कहा, मुझे ये डर है कि आपने ये केस रजिस्टर में डाल दिया तो रजिस्टर में ही पड़ा रहेगा, आपके पास और भी बहुत से केस होंगे। मैंने उसे यकीन दिलाने की बहुत कोशिश की कि मैं टाल मटोल नहीं करूँगा। फिर उसे कहा कि वो जहन पर जोर देकर और अच्छी तरह याद करके बताए कि लड़की का ज़्यादातर मेल जोल किस किस के साथ था और इसे किस पर शक हो सकता है। उसने सबसे पहले एक मुसलमान मेजर का नाम लिया, ये MES का मेजर था। इसके अलावा भी उसने चंद एक नाम बताए लेकिन ज़्यादा जोर इसी मुसलमान मेजर पर था और कहा कि छावनी में इसके डेंट बन गया है, इस मेजर के दो बच्चे हैं, इसकी बीवी अपने वालदेन के घर चली गई है। मेरे मजीद पूछने पर उसने बताया कि मेजर की बीवी पर्दा नहीं करती, अमीर कबीर वालदेन की बेटी है, सोशल नहीं, अच्छी दिलकश शक्लो सूरत की मालिक है। मेजर की और उसकी नाचाकी हो गई है, मेरी लड़की को ज़्यादातर इसी के साथ देखा गया है। बहुत सी और ज़रूरी बातें पूछकर मैंने रिपोर्ट दर्ज कर ली और हिंदू ठेकेदार चला गया। ये उस हाई क्लास सोसाइटी का ड्रामा मालूम होता था जो हिंदुस्तानी माशरे में जंग अजीम में पैदा हुई थी। यह हराम की दौलत की पैदावार थी। जब मुल्क तकसीम हुआ तो ये सोसाइटी पाकिस्तान के हिस्से में भी आई।
इसकी आमदनी का जरिया सरकारी ठेकेदारियां और रिश्वत थी। इसलिए सोसाइटी ने अपने आप को जिंदा रखने के लिए पाकिस्तान की बुनियाद ही ठेकेदारियों और रिश्वत पर रखी। अब आप अपने मुल्क में माशरे की इस क्लास को देख सकते हैं। इन लोगों के घरों में यही हरकतें होती हैं जो मैं आपको सुना चुका हूँ। बेटियाँ सोशल हर किसी से मिलती मिलाती और बदकारी करती हैं। खाविंदों और बीवियों में नाचाकी रहती है। लड़कियाँ मनमानी करती हैं मगर पुलिस तक कोई वारदात नहीं पहुँचती, क्योंकि इस बेहयाई और बदकारी को इन लोगों ने तहजीब में शामिल कर लिया जाता है। इस हिंदू ठेकेदार ने अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट इसलिए दी थी कि अभी वो लड़की की इस हरकत को जुर्म समझ रहा था। नई तहजीब ने अभी जड़ नहीं पकड़ी थी। खुद मेरे लिए भी ये हरकतें नई और काबिल एतराज़ थीं और हैं। मुझे जब ये पता चला कि एक हिंदू लड़की की वजह से एक मुसलमान घराना उजड़ रहा है, तो मैंने इस केस में ज़ाती दिलचस्पी लेने का इरादा कर लिया। छावनी में ये सहूलत होती है कि वहाँ अफसरों के बैरों, खानसामाओं और भंगियों की एक फौज रहती है। ये लोग पुलिस के लिए कारामद होते हैं। मैं इन्हें बेहतरीन मुखबिर समझा करता था। पुलिस के खिलाफ भी मुखबिरी करते थे और हक में भी। देसी अफसरों और उनकी बीवियों के इधर उधर नाजायज ताल्लुकात में ये लोग खास पार्ट अदा करते थे। कोठियों और बंगलों के अंदर की दुनिया की सही खबरें देते थे। मैंने इनमें से कमोबेश 20 आदमी अपनी मुखबिर बटालियन में शामिल कर रखे थे। ये केस चूँकि MES के एक ठेकेदार की बेटी का और MES के ही एक मेजर का था, इसलिए मैंने MES के ऑफिसर्स के मेस के दो खसूसी बेरों को बुलवाया। वो रात को काम से फारिग होकर आए। लड़की के मुतालिक उन्होंने नहायत दिलचस्प और लजीज बातें बताईं और कहा कि अंग्रेज़ अफसर अपनी मेमो को भूल गए हैं। इन बेरों की इतला के मुताबिक लड़की ऑफिसर्स मेस के बड़े खाने में ज़रूर जाती है, अंग्रेज़ अफसरों के साथ डांस करती है और उसका बाप भी साथ होता है। इन दोनों ने लड़की के हुस्न की तारीफें अपनी जबान और इस्तिलाहों में बड़े ही इश्तियाल अंगेज अंदाज से की। मुसलमान मेजर के मुताबिक उन्होंने बताया कि उसकी उम्र 30 साल से ऊपर हो गई है, अयाश आदमी है, ठेकेदारों से बहुत रिश्वत लेता है, उसकी बीवी खूबसूरत है और उसके दो बच्चे हैं। वो कभी मेस में नहीं आई, वो छावनी में एक बंगले में रहती है। इन बेरों की मार्फत अगले रोज़ बंगले के दो मुलाजिम आ गए। ये दोनों मुसलमान मेजर के बंगले के पड़ोस के बंगलों में मुलाजिम थे। उन्होंने बताया कि ये हिंदू लड़की कभी कभी इस मेजर के घर जाती है और उन्हें बाहर भी इकट्ठे देखा गया है। अफसरों में उठने बैठने वाली ये एक लड़की नहीं थी, और भी बहुत सी हिंदू सिख और ईसाई लड़कियां एडवांस हो गई थीं। मुझे ये सुनकर बहुत अफसोस हुआ कि उनमें मुसलमान लड़कियां भी हैं। इन सब के बाप या खामिद इन्हें अंग्रेज़ अफसरों से मिलवा कर बल्कि उनके हवाले करके फ़ख्र किया करते थे, लेकिन ये हिंदू लड़की जो लापता हो गई थी बहुत मशहूर थी। बेरों ने बताया कि बहुत शौक़ और चुलबुली लड़की है। मुसलमान मेजर के मुताबिक उन्होंने बताया कि अय्याश और शराबी है। तकरीबन एक महीने से वो बंगले में अकेला रहता है। इसकी बीवी अपने वालदेन के घर चली गई है। मियाँ बीवी में इस लड़की पर झगड़ा रहता था। एक घरेलू मुलाजिम ने यह भी बसुख से बताया कि मेजर की बीवी के एक आदमी के साथ ताल्लुकात हैं। बीवी इसी शहर के मजाफाती इलाके में रहती थी। इसका बाप अमीर किस्म का जमींदार था, अराजी मज़ारों के सुपुर्द थी। बहरहाल ये सब हराम की दौलत, बेजा आज़ादी और अंग्रेज़ों की नकल करते हुए बेहया हो जाने का चक्कर था। मैंने इस मेजर के खानसामे को छावनी के दूसरे मुलाजिमों की मार्फत काबू कर लिया। उसने मेजर का चाल चलन वही बताया जो दूसरे बता चुके थे। बहुत देर तक मैं पूछताछ करने के बाद भी नई बात सामने न ला सका। सिर्फ एक यही नई बात सामने आई कि एक अंग्रेज लेफ्टिनेंट कर्नल जिसका नाम जॉनसन बताया गया अक्सर इस मेजर के घर आता है। दो तीन बार ये लड़की भी कर्नल जॉनसन के साथ आई थी। तीनों एक कमरे में बैठे शराब पीते रहे। खानसामा ने यह भी बताया कि मेजर की बीवी का एक अमीर कबीर आदमी के साथ दोस्ताना है। उसका असल नाम कुछ और था, आप इसे अरशद कह लें। ये आदमी मेजर के ससुराल की बिरादरी का था।
मेजर की बीवी कोई 2 महीने से मेजर के साथ खिंची खिंची रहने लगी और उसने अरशद के साथ इस हद तक दोस्ताना कर लिया कि मेजर की मौजूदगी में अरशद के साथ बाहर चली जाती थी। ये भी इंकशाफ हुआ कि 2 दफ़ा कर्नल जॉनसन मेजर की गैर हाजिरी में मेजर की बीवी के पास आया और बीवी ने उसे बड़े गुस्से से घर से निकाल दिया। खान समा ने मेरे पूछने पर बताया कि गुज़िश्ता 1 हफ्ते से ये हिंदू लड़की मेजर के पास नहीं आई। इसका मतलब ये था कि लड़की अगर इस मेजर की खातिर घर से निकली है तो वो कहीं और रूपोश है। मुझे ये सवाल परेशान कर रहा था कि इतनी आज़ाद लड़की अगर मेजर के साथ शादी करना चाहती है तो उसे घर से भागने और रूपोश होने की क्या ज़रूरत है। उसके बाप ने उसकी शादी उसी की मर्ज़ी पर छोड़ दी थी। ये भी हो सकता था कि बाप ने उसे ये भी कहा हो कि अगर उसने मुसलमान के साथ शादी की तो उसे कत्ल करा दिया जाएगा। फिर ये ख्याल भी आया कि मेजर अपनी बीवी को तलाक देकर शादी करेगा और फिर ये ख्याल भी आया कि ये मुसलमान मेजर बिल्कुल ही बेकसूर हो सकता है। छावनी में एक गोरा रेजिमेंट भी थी जिसके सिपाहियों ने 3-4 बार बाजार में शराब पीकर हुल्लड़बाजी की थी। इन अंग्रेज सिपाहियों को हम तामी कहा करते थे, बल्कि हिंदुस्तान में मशहूर था कि गोरे सिपाही अपनी बाप के नस्ल से नहीं होते, सब हरामी होते हैं। इस रेजिमेंट के 4 सिपाहियों ने एक बार एक देहाती लड़के को पकड़ लिया था। देहातियों ने गोरों पर लाठियों से हमला कर दिया और लड़की को बचा लिया। मुझे ये खदशा भी नज़र आने लगा कि लड़की कहीं इन गोरों के हत्थे न चढ़ गई हो। इस सूरत में उन्होंने इसे ख़राब करके जान से ही मार दिया होगा। इस सूरत में एक देसी थानेदार महज मजबूर और बेबस होगा। तमाम इम्कानात पर गौर करके मैंने सबसे पहले मेजर की बीवी से मिलने का फैसला किया। कोरस जहन लेकर मेजर से मिलना बेकार था। ये तो हो ही नहीं सकता था कि वो कह देता कि जी हाँ लड़की मेरे पास है। मैंने उसके मुतालिक ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात फराहम करके उसे घेरना बेहतर समझा था। इसकी बीवी के घर जाकर मैं उसके बाप से मिला और उसे बताया कि एक हिंदू लड़की लापता हो गई है जिसके बाप ने मेजर पर शक किया है और मैं मेजर की बीवी से मेजर के चाल चलन और इस लड़की के साथ ताल्लुकात के मुतालिक कुछ मालूम करना चाहता हूँ। बाप ने यानी कि मेजर के ससुर ने मेजर के ख़िलाफ़ बहुत सी बातें की जिनमें से कोई एक भी बात मेरे काम नहीं आ सकती थी। अपने दिल का गुबार निकाल कर उसने मुझे अपनी बेटी से मिलने की इजाज़त दे दी। इस लड़की को औरत कहना ज्यादती था। वो जवान लड़की थी, 2 बच्चों की माँ होते हुए असल उम्र से छोटी लगती थी। उसे देखकर मुझे हैरत हुई कि मेजर इतनी दिलकश लड़की के मुकाबले में किसी और को पसंद करता है। लेकिन मेजर अय्याशियों का दिल दादा था। उसकी बीवी के मुतालिक मैंने ये राय कायम की कि इसे देखकर कोई भी नज़रअंदाज नहीं कर सकता। उसने जब मेरे साथ बातें शुरू की तो मुझे मालूम हुआ कि वो सीधी सादी घरेलू औरत नहीं, बातें पुरअसर करती थी और बोलने का अंदाज बावकार था। वो अपनी हैसियत, अपने हुस्न और अपनी कदर कीमत से पूरी तरह आगाह थी। उसने बताया कि उसे घर में रुपए पैसे की कोई तंगी नहीं, बल्कि घर में पैसा ही पैसा था। ये सब ठेकेदारों से ली हुई रिश्वत थी। इस अंधे पैसे ने इसके खाविंद को पापी बना दिया। रिश्वत की पहली रकम घर आते ही उसने शराब पीनी शुरू कर दी। फिर बीवी को भी शराब पीने पर उकसाने लगा, मगर वो ना मानी। बीवी को वो अंग्रेज़ों की तरह हर जगह अपने साथ ले जाना चाहता था। बीवी ने यह भी पसंद न किया। उसने सिर्फ इतना किया कि बुरका उतार दिया और उसके साथ बाहर जाने लगी, लेकिन सिर्फ पिक्चर देखने या सैर वगैरह के लिए। यह औरत सिर्फ 8 जमातें पढ़ी हुई थी। मेजर ने इसे अंग्रेज़ी पढ़ानी शुरू कर दी और उसके साथ ही घर में अफसरों की दावतें करने लगा जिनमें बीवी को साथ रखता था। ये लोग इस कदर बेहया और बदनीयत थे कि मेरे खाविंद के सामने मेरे साथ बेतकल्लुफ़ होने की कोशिश करते थे और बेहुदा बातें कह गुजरते थे। इस औरत ने कहा, मैं देख देख कर हैरान होती थी कि इन लोगों की असलियत क्या है और ये क्या बनने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्तसर ये कि खाविंद उसे एडवांस और सोशल बनाने की कोशिश करता रहा, लेकिन वो न मानी। गुज़िश्ता 6 महीनों से उसके खाविंद के ताल्लुकात इस हिंदू लड़की के साथ शुरू हुए। वो मेजर के घर में एक दावत में आई थी। इसके बाद मेजर ने अपनी बीवी को सोशल बनाने की कोशिशें तर्क कर दी और उसकी दिलचस्पियाँ बाहर पड़ने लगीं। मेजर अपनी बीवी को इस लड़की की तरह बनने को कहता था और लड़की की तारीफें करता था। लड़की इसके घर कई दफ़ा आई। इब्तिदा में लड़की ने मेजर की बीवी को अपनी तरह आज़ाद होने पर उकसाया, मगर बीवी उसकी बातों में ना आई।
उसके कहने के मुताबिक ये लड़की और मेजर ये चाहते थे कि मैं भी आज़ाद होकर दूसरे मर्दों के साथ दोस्ती कर लूं ताकि मैं अपने खाविंद को अय्याशी से रोक ना सकूं। जो जो हिंदू लड़की के साथ मेजर के ताल्लुकात बढ़ते गए, अपनी बीवी में उसकी दिलचस्पी घटती गई। अब यूँ होता था कि लड़की उसके घर आती थी तो मेजर की बीवी से मिलती भी नहीं थी, वो दोनों अलग कमरे में बैठे रहते। फिर इसके घर में एक अंग्रेज कर्नल आने लगा, वो अमूमन रात के वक्त आता था। मेजर ने अपनी बीवी उसके साथ मुतारिफ कराई। कर्नल उर्दू बोलता और समझता था, उसने पहली मुलाकात में ही इस औरत के साथ बेतकल्लुफ होने की कोशिश की। ये कोशिश बेहुदा थी। इस अंग्रेज ने मेजर की बीवी के साथ हाथ मिलाया और पहले उसका हाथ चूमा, फिर उसके गाल चूमकर मेजर से कहा, तुमने ये तो नहीं बताया था कि तुम्हारी बीवी इतनी ज़्यादा खूबसूरत है। कर्नल चला गया तो बीवी मेजर पर बरस पड़ी। मेजर हंसता रहा, उसने कहा कि इसमें कोई हर्ज नहीं, हम लोग पसमानदा हैं। इंग्लैंड में औरत के हुस्न की तारीफ मुंह चूम कर की जाती है। गर्ज मेजर इस बेहयाई की तारीफें करता रहा और उसकी बीवी उस पर और उसकी तहजीब पर लानत भेजती रही। कर्नल इसके बाद भी आता रहा, 3-4 बार ये हिंदू लड़की भी उसके साथ थी। एक दिन मेजर, कर्नल और ये लड़की मेजर के घर एक कमरे में बैठे। उन्होंने वहीं शराब मंगवाई और कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। थोड़ी देर बाद बीवी ने बाहर की तरफ जाकर खिड़की में से झांका, पर्दे पड़े हुए थे लेकिन दो पर्दों के दरमियान जरा सा फासला था। खिड़की अंदर से बंद थी। उसने शीशे और पर्दों में से जो कुछ देखा, इससे इसका खून खोल उठा। ये नौजवान हिंदू लड़की जिसकी अभी शादी भी नहीं हुई थी। बाहमी रजामंदी से कर्नल और मेजर के मुजरिमाना हमलों का निशाना बन रही थी। बीवी अपने कमरे में चली गई, बहुत रोई और सोचती रही कि क्या करें। उसका खामिंद उसे गैर मर्दों के साथ इसी सतह पर लाना चाहता था। रात बहुत देर बाद कर्नल और लड़की चले गए। मेजर सोने के कमरे में आया तो बीवी ने गिला शिकवा किया, मेजर ने इल्ज़ाम की तरदीद कर दी। इस पर झगड़ा हुआ और फिर ये झगड़ा आए दिन होने लगा। अंग्रेज कर्नल 2 दफ़ा मेजर की गैर हाजिरी में उसके घर गया और उसकी बीवी से बेहुदा बेतकल्लुफी की। बीवी ने उसे धुतकारने की कोशिश की तो उसने 1,000 रुपया पेश कर दिया। इस औरत ने उसे कहा कि मैं तुम्हें 2,500 रुपया दे सकती हूँ। कर्नल चला गया। मेजर घर आया तो बीवी ने उसे कहा कि तुम बाहर से लड़की लाकर घर में बदकारी करते हो और कर्नल से भी कराते हो। इसका नतीजा यह है, कर्नल ने मुझे भी उन्हीं जैसा समझ लिया है। इस वाक्य की तफसील सुनकर मेजर देश में आ गया। उसने कहा, मैं खुद बदकार हो सकता हूँ, बीवी को बदकार नहीं होने दूंगा। इससे बीवी को इतना सा इत्मीनान जरूर हुआ कि उसके खाविंद के दिल में गैरत भी जिंदा है। खाविंद ने उसे बाद में बताया नहीं कि कर्नल के साथ उसकी इस मामले में बात हुई है या नहीं। मालूम नहीं कर्नल ढीठ था या मेजर की कमजोरी थी कि 1 हफ्ते बाद कर्नल फिर आ गया। मेजर घर में नहीं था। कर्नल ने फिर वही बेहुदा हरकत शुरू की और 1,000 नकद के अलावा रेशमी कपड़ों का वादा किया। ये लोग हिंदुस्तानियों को करीब और अपना कर्नल समझते थे। कर्नल जॉनसन, इस औरत ने उसे कहा, मैं 1,000 रुपया देकर तुम्हें इस तरह कत्ल करा सकती हूँ कि तुम्हारी लाश भी किसी को नहीं मिलेगी। उसने कर्नल जॉनसन की इतनी बेइज्जती की कि अर्दली और खानसामा आवाज़ सुनकर दौड़े आए। कर्नल चला गया। बीवी ने मेजर को बताया तो मेजर ने गुस्से का इजहार तो किया लेकिन साथ ही ये भी कहा कि कमबख्त कर्नल है और अंग्रेज है, इसके खिलाफ रिपोर्ट करना भी खतरनाक है। बहरहाल बीवी के बयान के मुताबिक मेजर बहुत बेचैन हो गया था मगर उसने अपनी रविश न बदली। इसके बाद भी ये हिंदू लड़की उसके घर आती रही। वो एक कमरे में बंद हो जाते थे और बहुत देर बाद लड़की जाती थी। बीवी की कुव्वत बर्दाश्त जवाब दे गई और घर में झगड़े इतने बढ़े कि वो अपने घर आ गई। उसने अपना बयान यहीं पर ख़त्म कर दिया। मेजर साहब ने आप पर किसी के साथ ताल्लुकात पैदा करने का इल्ज़ाम लगाया था, ये कहाँ तक सही है, मैंने पूछा। उसे गालिबन तवक्को नहीं थी कि मुझे इस बात का इल्म होगा और चूँकि होशियार थी इसलिए उसने नहायत अच्छा जवाब दिया। कहने लगी, औरत पहाड़ों से टकरा सकती है लेकिन सिर्फ इतना सा इल्ज़ाम कि किसी के साथ उसके नाजायज ताल्लुकात हैं उसे घुटनों बिठा देता है। औरत को जलील करने और उसका मुंह बंद करने का बेहतरीन तरीका यह है कि उस पर बदकारी का इल्ज़ाम आयद कर दो। यही इल्ज़ाम मुझ पर आयद किया गया और मैं खामिद के अगले फैसले के इंतज़ार में घर में बैठ गई। मैंने इस औरत के मुतालिक ये राय कायम कर ली थी कि ये कोई बुद्धू औरत नहीं, चाहे तो किसी को भी उंगलियों पर नचा सकती है। अरशद कौन है, मैंने पूछा, क्या उसका आपके घर आना जाना था। उसके चेहरे का रंग बदल गया और उसके साथ ही वो मुस्कुराई।
कहने लगी, मेरा ख्याल था कि आपको इसके मुतालिक मालूम नहीं होगा, आप शायद मेरे खामिन से मिलाए हैं, उसने मेरे बारे में आपको क्या बताया है। आप इसकी परवाह ना करें कि आपके बारे में किसी ने मुझे क्या बताया है, मैंने जवाब दिया। ये समझ लें कि आपके मामले में मेरा जहन बिल्कुल साफ है, पुलिस की तरफ से आप पर कोई इल्ज़ाम आयद नहीं किया गया और न ही किया जाएगा। आपके किसी के साथ ताल्लुकात हैं या नहीं, इसका हिंदू लड़की की गुमशुदगी के साथ कोई ताल्लुक नहीं। अगर मुझे कुछ सच्ची बातें बता देंगी तो मैं आपका मशकूर रहूँगा। फिर मैंने उसके दिल पर कब्जा करने के लिए कहा, आपने मेरे दिल में अपने खामिंद के खिलाफ खासी नफरत पैदा कर दी है। आप जैसी बाबकार औरत को एक हिंदू लड़की की खातिर परेशान करता रहा है। वो गालिबन आपको तलाक देकर उसके साथ शादी करना चाहता है, जो मैं नहीं होने दूंगा। आप अर्शद के मुताबिक मुझे बता दें कि ये इल्ज़ाम आप पर किस तरह आयद हुआ है। ये एक नाटक था, उसने जवाब दिया। अर्शद हमारी बिरादरी का एक शादीशुदा आदमी है, आप उसे मेरा मुँह बोला भाई कह सकते हैं। मैंने उसे बताया था कि खामिंद मेरे साथ क्या सलूक करता है। ये सारी बातें जो आपको सुनाई हैं उसे भी मैं सुनाती रहती थी। एक रोज़ हम दोनों ने यह तय किया कि अर्शद मेरे पास आना शुरू कर दे और इस किस्म की एक्टिंग की जाए कि हमारी दोस्ती हो गई है। हमने इस उम्मीद पर यह प्रोग्राम बनाया था कि मेरे खामिंद की गैरत जाग उठेगी और वो मुझे अर्शद से मिलने से रोकेगा। फिर मैं उसे कहूंगी कि तुम अपनी मर्जी की लड़की के साथ बदकारी कर सकते हो तो मैं भी अपने पसंद के आदमी के साथ मनमानी कर सकती हूँ। अर्शद बहुत दिलेर आदमी है, उसने मेरे पास आना शुरू कर दिया। एक बार ऐसे हुआ कि अर्शद मेरे पास बैठा हुआ था, मेरा खामिंद घर नहीं था। उसके आने की आवाज़ आई तो मैं और अर्शद एक ही सोफे पर एक दूसरे के साथ लगकर बैठ गए। खामिंद का पांव दरवाजे में पड़ा तो हम चौंक कर और घबरा कर दूर दूर सिरक गए। खामिंद का रंग बदल गया मगर वो बोला नहीं, अर्शद चला गया। खामिद ने मुझसे पूछा कि अर्शद और तुम इतने करीब बैठे क्या कर रहे थे। मैंने जवाब दिया, जो तुम और वो हिंदू लड़की किया करते हो। वो चुप हो गया। इसके बाद चौथे पांचवे रोज अर्शद आ जाता और फिर यूं भी हुआ कि खामिद घर में मौजूद था। अर्शद आया और मैं खामिद को बताए बगैर उसके साथ पिक्चर देखने चली गई। खामिद को यकीन हो गया कि मेरे और अर्शद के ताल्लुकात कायम हो चुके हैं। उसने एक रोज फिर मुझे अर्शद से मिलने से रोका। मैंने उसे इस हिंदू लड़की से मिलने से रोका। फिर उसने जो कुछ कहा मैंने इसी तरह जवाब दिया। वो परेशान हो गया और मैं अपने आंसू जब्त ना कर सकी। मेरा इतना प्यारा घर बदकारी का अड्डा बन गया था। हालांकि मैं बदकार नहीं थी, कभी सोच भी नहीं सकती थी कि खामिंद के रास्ते पर चल निकलूंगी, मगर इस नाटक को भी मैं बदकारी ही समझती थी। मैं अपने सुहाग को धोखा दे रही थी। मैं इतना रोई कि अपने ऊपर काबू ना रहा। इसी कैफियत में खामिंद से कहा कि वो सीधे रास्ते पर आ जाए, मगर शराब और अंधी आमदनी ने उसकी अकल पर पर्दा डाल रखा था। उस पर इसका असर तो बहुत हुआ कि मैंने अर्शद के साथ नाजायज दोस्ती कर ली है, लेकिन उसने अपनी आदत बदलने की जरा बराबर भी कोशिश न की। यह सिलसिला 3-4 महीने चला। हमारे झगड़े बढ़ते गए। आखिर खामिंद ने मुझे कहा कि मैं अपने घर चली जाऊं। मैं अपने घर आ गई। 2 महीने हो गए हैं। इनके इस नाटक पर तनकीद कर सकता था, लेकिन मेरी तफ्तीश के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं था। मुझे हिंदू लड़की का सुराग लगाना था। इस मेजर की बीवी बदकार थी या नहीं, इससे मेरा वास्ता ही नहीं था। इसकी बातों से मुझे रहनुमाई मिली कि अपनी बीवी को रास्ते से हटाने के लिए मेजर को माकूल बहाना मिल गया था, मगर ये सवाल मेरे लिए परेशानी का बाइस था कि लड़की को घर से गायब होने की क्या ज़रूरत थी। मैंने अर्शद का पता मालूम कर लिया था, उसे मिला। मुझे चंद एक बातों की तस्दीक करनी थी। अर्शद उन लोगों में से था जो एक ही वक्त में देहाती भी होते हैं और शहरी भी, यानी इनमें शहरियों वाली नफासत और फैशन भी होता है और देहातियों वाला गंवारपन भी। ये लोग किसी के सर पर लट मारकर आई एम सॉरी कहने वाले लोग होते हैं। जवान आदमी था और शादीशुदा। मैं इसे मिला तो उसने पहलवानों की तरह झूमकर मुझसे हाथ मिलाया और बोला, हाउजी मलिक साहब। और उसने किसी को आवाज़ देकर बड़ी ही दबंग आवाज से कहा, दूध में बर्फ़ डालकर ले आओ चक में। उसका अंदाज बता रहा था कि गैर मामूली तौर पर दिलेर आदमी है और यह भी कि जिन से मुखालिफ के लिए इसमें कशिश थी। इसके मिजाज में शगुफ्तगी भी थी। मैंने उसे मुलाकात का मतलब बताया। उसने मेरे जानों पर हाथ मार कर कहा, इस लड़की के लिए मैं इस किस्म के एक दर्जन मेजर कत्ल कर सकता हूँ। ये मेजर गाली इस किस्म की वफादार और शक्लदार लड़की को तंग करता रहा है। उसने
जब मुझे बताया तो मैंने उसे कहा कि मैं इसे सीधा कर देता हूँ, तुम्हारे कदमों में नाक की लकीरें निकालेगा। लेकिन ये लड़की इतनी मजबूत दिल वाली है कि अपने खामिद के खिलाफ कोई बात सुनने को तैयार नहीं थी। वो मेरे पूछे और कहे बगैर मेजर की बीवी की तारीफों के पुल बांध रहा था। इंसान को इतना बातूनी नहीं होना चाहिए कि मुंह में जो आए कहता चला जाए। मेजर की बीवी की तारीफें करते करते उसने कहा, इधर हमारी बीवी है जैसे खुली पर गायब बंधी हुई हो। बुलाओ तो 10 मिनट बाद बोलती है, हंसाओ तो मुंह बसोर लेती है, इसके आगे रो तो हंस पड़ती है। मगर हम हैं कि बिरादरी को खुश रखने के लिए अपने दिल पर पत्थर रखे हुए हैं। उसकी बातें मुझे शक में डाल रही थीं। मेरे दिमाग में ये सोच आई कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेजर की बीवी को आबाद करने के लिए हिंदू लड़की को इसी ने गायब कर दिया हो। मैंने ये देख लिया था कि इसमें खतरा मोल लेने की हिम्मत मौजूद है। मैंने इस शक को सामने रखकर इस पर सवाल किए, लुकमे दिए, इसे दोस्ती और हमदर्दी के खूबसूरत झांसे दिए, मगर वो मुझे इस जुर्म से साफ नज़र आ रहा था। उसने मेजर की बीवी की सारी बातों की तस्दीक की और बताया कि वो दोनों मेजर को राह रास्त पर लाने के लिए नाटक खेलते रहे हैं। मेरा इस नाटक के साथ कोई ताल्लुक तो नहीं था, फिर भी मैंने उसे कहा, इस नाटक का नतीजा आपने देख लिया है। मेजर ने हर जगह मशहूर कर दिया है कि उसकी बीवी के आपके साथ नाजायज़ ताल्लुकात हैं। इससे बेहतर ये था कि उसे आप लोग बिरादरी में बिठाकर शर्मसार और जलील करते। अब आपकी गर्दन उसके पाँव के नीचे आ गई है। अब वो बीवी को तलाक देने और दूसरी शादी करने का माकूल बहाना हासिल कर चुका है, उसने आहिस्ता से कहा, ये देखा जाएगा। मैंने इस आदमी को जहन से उतारा नहीं। इम्कान मौजूद था कि उसने लड़की को गायब किया है। मैंने ये खास तौर पर नोट किया कि वो मेजर की बीवी में गैर मामूली दिलचस्पी ले रहा था। वो इस औरत का भाई या बाप नहीं था, लेकिन भाइयों और बाप से ज़्यादा दिलचस्पी जाहिर कर रहा था। इससे मेरे शक को तकवीत मिल रही थी। बहरहाल ये साबित हो गया था कि गुमशुदा लड़की का मेजर के साथ गहरा ताल्लुक है। कर्नल जॉनसन का नाम भी सामने आया था। मैंने थाने में जाकर इस मुसलमान मेजर के पीछे मुखबिर लगा दिए और उसके साथ उसके बंगले में मिलने का बंदोबस्त कर लिया। मुलाकात रात को हुई। उसने मुझे शराब पेश की। मैंने बोतल और गिलास उठाकर परे रख दिए और कहा कि मैं तफ्तीश के लिए आया हूँ। इसके लिए ज़रूरी है कि आप होशमंद साबित हों और होश में रहें। मैंने हिंदू ठेकेदार का नाम लेकर कहा कि उसकी लड़की लापता हो गई है। आपके साथ लड़की के गहरे मरासिम थे। आखिरी बार वो आपके पास आपके साथ देखी गई थी कब? आप सिर्फ जवाब दें, मैंने कहा। मैं अभी आपके किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। ये तो आपको मालूम होगा कि मैं ब्रिटिश इंडियन आर्मी का मेजर हूँ, उसने कहा। मैं सड़कों पर फिरने वाला जेब पुत्रा नहीं हूँ। और जनाब को ये इल्म होगा कि ये खादिम ब्रिटिश इंडिया पुलिस का इंस्पेक्टर है, मैंने कहा। मिलिट्री पुलिस का हवलदार नहीं है। फिर मैंने आस्तिकी से कहा, मेजर साहब मैं आपको थाने में बुलवा सकता हूँ। आपको अफसर और अपना मुसलमान भाई समझकर आपकी इज्जत अफजाई की है। क्या आपके घर में आ गया हूँ? करम करें और जितनी देर मैं यहाँ बैठा हूँ अपने आप को मेजर समझना छोड़ दें, इसमें आपका अपना भला है। मगर वो अपने ओहदे को जहन से उतारने पर आमादा नहीं था। कहने लगा, क्या आप ये समझ कर आए हैं कि इस लड़की को मैंने कहीं गायब कर दिया है? जी नहीं, मैंने उसे नर्म करने के लिए कहा। मैं ये साबित करने आया हूँ कि आपने लड़की को गायब नहीं किया। इस सबूत के लिए मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। लड़की बालिग है, अगर वो आपके पास है या किसी और के पास, वो कोर्ट में जाकर बयान दे सकती है कि वो अपनी मर्जी से उसके साथ गई है। कानून उस आदमी का या आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। फिर आप तफ्तीश क्यों कर रहे हैं? उसने पूछा। उसके बाप ने रिपोर्ट दर्ज कराई है, मैंने जवाब दिया। मुझे लड़की बरामद करनी है। लड़की पहले दिन ही कोर्ट में बयान देगी तो मुकदमा खारिज हो जाएगा। मुझे सिर्फ ये बता दें कि लड़की कहाँ है। मुझे कुछ पता नहीं, उसने जवाब दिया। आपको कब मालूम हुआ था कि लड़की लापता हो गई है? मैंने पूछा। परसों, उसने जवाब दिया। ठेकेदार ने मुझे पैगाम भेजा था कि लड़की वापस कर दो वरना तुम्हें गिरफ्तार करा दूंगा। आप गालिबन उसी के कहने पर मेरे पास आए हैं। उसने आप पर शक क्यों किया है? मैंने पूछा। इसलिए कि मैंने उसका एक बिल रोका हुआ है, मेजर ने जवाब दिया। बिल 57,000 का होना चाहिए, लेकिन उसने 58,000 का बिल बनाया है।
मैंने उसे कहा था कि बिल 57,000 का बनाओ, मैंने बिल रोक लिया है। क्या हर ठेकेदार का हर बिल सही होता है? ये कोई ढकी छुपी बात नहीं, उसने जवाब दिया कि हमारे महकमे में मेरी रिश्वतखोरी हद से ज़्यादा है, कभी कोई बिल सही नहीं आता। बिल पास करने वाले अफसर और क्लर्क अपना अपना हिस्सा ले लेते हैं, लेकिन 57,000 का बिल 60,000 या इससे कुछ ऊपर का भी बन सकता है और अदा भी हो सकता है। इकट्ठे 41,000 का फर्क कैसे हजम किया जाए? अब इत्तेफाक से उसकी बेटी लापता हो गई है। उसने इंतकाम लेने के लिए या मुझे डराने के लिए मेरे खिलाफ शक का इजहार कर दिया है और मुझ तक पैगाम भी पहुंचाया है कि तुम्हें गिरफ्तार करा दूंगा। हकीकत यह है कि इस लड़की के साथ मेरा कोई ऐसा गहरा ताल्लुक नहीं है, मैं शादीशुदा हूँ। आपके बीवी बच्चे कहाँ हैं? चंद दिनों के लिए अपने घर गए हुए हैं। कब गए? इंस्पेक्टर साहब, उसने कतरे मुस्कुराकर कहा, मेरा ख्याल है कि मेरी फैमिली के साथ इस हिंदू लड़की का कोई ताल्लुक नहीं है, इसे मैं बिल्कुल ज़रूरी नहीं समझता कि आप मेरे घरेलू मामलात में दखल दें। मेजर साहब, मैंने उसे कहा, आपने अपने लिए मुश्किल ये पैदा कर रखी है कि इस लड़की का आपके घरेलू मामलात में गहरा दखल है। मैं तफ्तीश कर रहा हूँ, बड़ा लंबा चक्कर काट कर आप तक पहुँचा हूँ। बात इतनी सी है कि अगर लड़की आपके पास है तो बता दें, बेहतर तरीका यह है कि उसे कोर्ट में लेकर जाएं और उसके बयान को रिकॉर्ड करवा दें कि वो बागी है, बालिग है और अपनी मर्जी से आपके साथ आई है। फिर आप चाहें तो उसके साथ शादी कर लें, चाहें तो वापस कर दें, ये कोई जुर्म नहीं है। लेकिन ये मेजर कोई भी बात तस्लीम करने पर आमादा नहीं था। उसे मेरी बातों से ये भी शक ना हुआ कि मैं उसके और लड़की के ताल्लुकात के मुतालिक बहुत कुछ जान चुका हूँ। उसके रवैये से मुझे शक होने लगा। उसने फिर बिल की बात की, कहने लगा, पुलिस को सिर्फ इस बिल की वसूली के लिए मेरे पीछे डाला गया है। लड़की को मैं जानता हूँ, वो इतनी कच्ची नहीं कि उसे कोई उठाकर ले गया होगा। वो गुम नहीं हो सकती, किसी नए दोस्त के साथ सैर सपाटे के लिए चली गई होगी। उसके अंदाज में लापरवाही और बेनियाजी सी थी, जैसे मुझे कोई अहमियत नहीं दे रहा। मैंने उसके गिर्द मुखबिरों का जाल फैला दिया था, इसलिए बेहतर ये समझा कि इस पर बम फेंक दिए जाएं ताकि मेरे मुखबिर इसका रद्दअमल देखें और नज़र रखें कि वो कहाँ कहाँ जाता है। मैंने उसके साथ बहुत बातें की और जब देखा कि वो किसी बात पर नहीं आ रहा तो मैंने पूछा, मेजर साहब, मुझे सिर्फ ये बता दें कि आप इस लड़की के ताल्लुकात से दस्तबरदार होने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मेरा इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, उसने दो टोक जवाब दिया। तो फिर क्यों कह दें कि वो आपके घर कर्नल जॉनसन के साथ बदकारी करने के लिए आया करती थी? मैंने कहा, कौन कर्नल जॉनसन? उसने पूछा, लेकिन उसकी जबान कुछ हकला गई थी। वो कर्नल जॉनसन जिसने आपकी शरीफ और वफादार बीवी को बुरी नीयत से फांसने की कोशिश की थी। मैंने कहा, क्या मैं आपको आपके बंगले के उस कमरे में ले चलूं जहां आप और कर्नल जॉनसन उस लड़की पर मुजरमाना हमला किया करते थे? वो गहरी सोच में खो गया। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, मेरे मोहतरम दोस्त, आपके बंगले के जो दरख्त हैं वो भी पुलिस के इन्फॉर्मर हैं। मैं आपके पास खाली जहन लेकर नहीं आया, उस लड़की को कहीं छुपाने की क्या ज़रूरत है? वो बालिग और आज़ाद ख्याल लड़की है, आप किसी भी वक्त उसके साथ शादी कर सकते हैं। अपनी बीवी को आप बिला वजह तलाक दे सकते हैं। बिला वजह नहीं, वो तो जैसे मरी गया था, मरी हुई आवाज़ में बोला, मैंने अपनी बीवी को बिला वजह घर नहीं भेजा, उसके एक आदमी के साथ नाजायज़ ताल्लुकात हैं। उसे घर भेजने का लड़की की गुमशुदगी के साथ कोई ताल्लुक नहीं, और हकीकत यह है कि मुझे कुछ इल्म नहीं कि लड़की कहाँ है। आप अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं, मैं आपको बता चुका हूँ कि लड़की के बाप ने मुझ पर क्यों शक किया है। क्या आप अपनी बीवी को तलाक देना चाहते हैं? मैंने अभी कोई फैसला नहीं किया। अब मैं आपसे जो बात करने लगा हूँ ये पुलिस इंस्पेक्टर की हैसियत से नहीं बल्कि एक मुसलमान की हैसियत से करूँगा। मैंने इसे खुलूस दिल से कहा, अगर मैं साबित कर दूं कि आपकी बीवी ने अरशद को साथ मिलाकर महज नाटक खेला है तो क्या आप अपनी बीवी को वापस ले आएंगे? कैसा नाटक? आपकी बीवी आपको शराबखोरी और बदकारी से हटाने के लिए आपको ये दिखाना चाहती थी कि आप बदकार हो सकते हैं तो मैं भी हो सकती हूँ। मैंने उसे बताया, आपकी बीवी ने आपके साथ बेवफाई नहीं की,
उसने कुछ हैरतजदा सा होकर मेरी तरफ देखा। मैंने कहा, क्या आपको यकीन है कि यह हिंदू लड़की आपके साथ वफा करेगी? किसी भी वक्त यह हिंदू आपको रिश्वत के इल्ज़ाम में पकड़वा कर आपकी ज़िंदगी और हैसियत तबाह कर सकते हैं। मुझसे कसम ले लें, उसने बरखुरदारों की तरह कहा, मैं उस लड़की के साथ शादी नहीं करूंगा, वो बदकार है, दौलत जेवरा तो नहायत आला लिबास का उसे नशा है। मैं ऐसी लड़की के साथ कैसे शादी कर सकता हूँ जिसे शादी की ज़रूरत ही नहीं और जो अंग्रेज़, हिंदू और मुसलमान अफसरों की मुश्तरका बीवी बनी हुई है। मेरे भी उसके साथ ताल्लुकात हैं, लेकिन मैंने कभी सोचा भी नहीं कि इसके खातिर अपनी बीवी और अपने दो नन्हे नन्हे बच्चों से दस्तबरदार हो जाऊँगा। मगर वो रुक रुक कर बोला, मगर आपने एक नई बात बताई है। मेरी बीवी ने अरशद के साथ मिलकर मुझे सबक देने की कोशिश की है, मुझे इसके मुतालिक सोचने दें। मेरी बीवी मुझे धोखा नहीं दे सकती, उसने ज़रूर ड्रामा खेला है। मुझे खुशी हुई कि मैंने एक मुसलमान घराना आबाद करने की जो कोशिश की थी वो कामयाब हो रही थी और मुझे ये यकीन भी आने लगा था कि लड़की की गुमशुदगी के साथ इस मेजर का कोई ताल्लुक नहीं। फिर भी मैंने मुखबिरों को वहाँ से नहीं हटाया। मैंने मेजर से कर्नल जॉनसन के बंगले का नंबर पूछा, उसने फौरन बता दिया। मेरा ख्याल था कि यह अंग्रेज़ कर्नल भी MES का होगा, लेकिन मेजर ने बताया कि वो टैंक रेजिमेंट का कमांडिंग ऑफिसर है। मैं उसके बंगले में गया, वहाँ उसका खानसामा मिला। उसने बताया कि कर्नल 7 रोज़ की छुट्टी पर गया हुआ है। रवानगी की तारीख पूछी तो ये वही तारीख थी जिस रोज़ हिंदू लड़की अपने बाप के बयान के मुताबिक लापता हुई थी। मुझे फौरन ये ख्याल आया कि लड़की इसी के साथ गई है। खान सामा ने बताया कि वो डलहौजी गया है। डलहौजी हिंदुस्तान का एक पहाड़ी सेहत अफजा मकाम है, मरीज से ज़्यादा बुलंद और खूबसूरत। मैंने खान सामा को सख्ती से कहा कि मैं इससे जो कुछ पूछूं उसका जिक्र बोस साहब से ना करें। ये लोग पुलिस से बहुत डरते थे क्योंकि पुलिस किसी भी वक्त किसी भी मुलाजिम के खिलाफ रिपोर्ट देकर कि उसका चालचलन अच्छा नहीं नौकरी से अलग करा सकती थी। खान सामा को मैंने हिंदू लड़की की दोनों तस्वीरें दिखाकर पूछा कि उसने इस लड़की को कभी देखा है। बहुत दफ़ा देखा है हुजूर, उसने जवाब दिया। साहब के पास आती रहती है, आखिरी बार कब आई थी? साहब जिस रोज़ छुट्टी गया उसे एक रोज़ पहले आई थी, उसने जवाब दिया। अकेली आती थी, कभी अकेली आती है और कभी MES का एक इंडियन मेजर उसके साथ होता है। कर्नल साहब की मैम साहब हैं? नहीं हुजूर, खान सामा ने जवाब दिया, कर्नल अकेला रहता है, इसकी मैम साहब फ्लाइट में है। मैं खान सामा को मुंह बंद रखने की तंबीह करके थाने गया। कर्नल को तीसरे रोज़ वापस आना था। मुझे यकीन होने लगा कि लड़की इसी कर्नल के साथ ढिलोसी गई है और उसके साथ वापस आ जाएगी। मेरी मजबूरी ये थी कि लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट रजिस्टर कराई गई थी। मुझे लड़की का सुराग लगाना था, वरना ये कोई वारदात नहीं थी। शाम को लड़की का बाप आ गया, पूछने लगा कि तफ्तीश कहाँ तक पहुँची है। मैंने उसे कहा कि जनाब लाला साहब, मुझे सिर्फ ये बता दें कि आपने इस मेजर पर क्यों शक किया है, कर्नल जॉनसन पर क्यों नहीं किया, इन अफसरों पर क्यों ना किया जिनके साथ आपकी बेटी शामें गुजारती है। क्या आप मेजर को मुश्तबा लिखवाकर और उसे गिरफ्तारी की धमकी देकर उससे 98,000 रुपये का वो बिल मंजूर करा सकते हैं जो दरअसल 57,000 रुपये का होना चाहिए? आपने उन तमाम हिंदू, अंग्रेज़ और एंग्लो इंडियन अफसरों को मुश्तबा क्यों नहीं कहा जिनके साथ आपकी बेटी के ताल्लुकात हैं? मैंने यकीन का इजहार नहीं किया था कि वो मेजर के साथ ही गई है, उसने घबराई हुई आवाज़ में कहा। मैंने ये कहा था कि उसके साथ उसके ताल्लुकात गहरे हैं। मुझे ये भी शक है कि लड़की को आपने कहीं छुपा दिया है और मेजर से बिल पास करवाने के लिए उसे फांस रहे हैं। मैं दरअसल ये कोशिश कर रहा था कि वो घबरा कर केस वापस ले ले, मगर वो हिंदू था। हिंदू में ये वस्फ होता है कि आपके पाँव में सर रख देगा लेकिन अपनी हट से पास नहीं आएगा। यही मुजाहरा इस हिंदू ने भी किया। घबराहट से उसकी ज़बान कांप रही थी, वह हाथ भी जोड़ रहा था, मगर मुसलमान मेजर का ही नाम लिए जा रहा था। मुझे तवक्को थी कि मुझ पर वो इल्ज़ाम आयद करेगा कि मैं मुसलमान हूँ इसलिए मुसलमान मेजर को बचाना चाहता हूँ, लेकिन उसने ऐसी कोई बात नहीं की। कर्नल जॉनसन के वापस आने में 2 दिन बाकी थे। मैंने इस केस को अलग रख दिया और कत्ल के एक केस में मसरूफ़ हो गया। 2 दिन गुजर गए, मैं शाम के वक्त कर्नल जॉनसन के बंगले पर गया। वो बड़े अच्छे अंदाज से मिला। मैंने उसे हिंदू लड़की की तस्वीरें दिखाकर पूछा कि वो जानता है या नहीं।
उसने साफ इनकार कर दिया और पूछा कि क्या बात है। मैंने बताया कि ये लड़की लापता हो गई है, इसके बाप ने पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कराई है और मैं हर उस शख्स से पूछता फिर रहा हूँ जहाँ ये लड़की जाया करती थी। कर्नल ने मुझसे पूछा, तुम्हें किसने बताया है कि वो मेरे पास आया करती थी? मैं पुलिस इंस्पेक्टर हूँ, मैंने उसे कहा। मैं ऐसी बात आपको कभी नहीं बता सकता कि किसने मुझे क्या बताया है, मैं आपके पास बिला वजह नहीं आया। कर्नल कहीं बाहर जा रहा था, उसने वर्दी पहन रखी थी। वो दो बातें कहकर चला गया, एक ये कि वो ब्रिगेड हेडक्वार्टर कॉन्फ्रेंस में जा रहा है और दूसरे ये कि अगर मैं उसे तफ्तीश में शामिल करना चाहता हूँ तो मुझे ब्रिगेड हेडक्वार्टर से इजाज़त लेनी पड़ेगी। वो मुझे अपने बंगले के बरामदे में छोड़कर चला गया। उसका अर्दली आ गया। इन हजरात के लिए जो फौजी उमूर से वाकिफ नहीं, मैं ये वजाहत ज़रूरी समझता हूँ कि हर फौजी अफसर को एक सिपाही अर्दली के तौर पर मिला हुआ होता है। इसी तरह कर्नल जॉनसन के बंगले में भी एक अर्दली था। मुझे बरामदे में खड़ा देखकर वो आ गया। मैं वहाँ खड़ा सोच रहा था कि एक अंग्रेज़ कर्नल को तफ्तीश में शामिल करके इससे किस तरह काम की बातें उगलवाऊँगा। अंग्रेज़ हमारे बादशाह थे, ये कर्नल मिला तो अच्छे तरीके से था, लेकिन मेरे सवालों का जवाब शाहाना बेरुखी से दिया और चला गया। ये तजुर्बा मेरे लिए नया नहीं था। अर्दली ने आकर मुझे सहारा दिया, उसने मेरे साथ उर्दू में बात की तो मैं समझ गया कि वो पंजाबी है। उसने मुझसे पूछा कि मैं किस काम से आया हूँ, मैंने उसे पंजाबी जबान में जवाब दिया और इससे तआवुन की दरख्वास्त की। मुझे बिल्कुल तवक्को नहीं थी कि अर्दली अपने साहब का कोई राज मुझे बताएगा। ये लोग अंग्रेज़ अफसरों के ज़रख़रीद गुलाम होते थे, अंग्रेज़ों की खुशनुदी की खातिर अपनों का गला काटने में फ़ख्र महसूस करते थे। तहम मैंने उसे बता दिया कि मैं क्यों आया हूँ। उसे हिंदू लड़की की तस्वीरें दिखाकर पूछा कि ये लड़की यहाँ कभी आई है? उसने बताया कि कई बार आई है, हिंदुस्तान में इतनी दूर पंजाबी बगलगीर होकर मिला करते थे क्योंकि ये हमारे लिए परदेश था। इस अधेड़ उम्र अर्दली ने मुझे सर्वेंट क्वार्टर में चलने और चाय पीने की दावत दी जो मैंने बसद शुक्रिया टाल दी। अर्दली से कहा कि वो मेरी मदद करे और रात को काम से फारिग होकर थाने में आ जाए। मैंने उसे बताया कि एक दो बातें पूछनी हैं। उसने कहा कि चोरी छुपे आना पड़ेगा क्योंकि तफ्तीश के लिए सिविल में किसी भी काम के लिए जाना हो तो इजाज़त लेनी पड़ती है। मैंने उसे यकीन दिलाया कि मैं उसे गवाहों में शामिल नहीं करूँगा। वो पंजाबी होने की वजह से और मेरे दोस्ताना रवैये से मुतासिर होकर रात थाने में आने पर रजामंद हो गया। मैंने ये महसूस किया कि ये सिपाही अनपढ़ नहीं हो सकता, सुलझी हुई बातें करता था और उसके अंदाज में खुद एतमादी और पकार सा था। अर्दली उमूमन उस सिपाही को बनाया जाता था जो फौजी लिहाज से निकम्मा और नालायक हो, यह नालायक नहीं लगता था। मैंने सोचा कि कर्नल ने अपने लिए जहीन और होशियार सिपाही मुंतखब किया है। रात 10 बजे के करीब अर्दली आ गया। मुझे उसका असली नाम छुपाने की ज़रूरत नहीं, वो तहसील चकवाल के किसी गांव का रहने वाला था और उसका नाम मोहम्मद खान था। वो मेरे पास आया तो मुझसे पूछा कि ये केस क्या है। मैंने मुख्तसरन बता दिया। उसने मुझ पर एक सवाल किया, फिर दूसरा सवाल किया और वो फिर मुझसे इसी अंदाज से सवाल पर सवाल करता गया जैसे मैं नहीं बल्कि वो पुलिस इंस्पेक्टर है और किसी वारदात की तफ्तीश के लिए मुझसे पूछगछ करने आया है। मैंने झुंझुला कर कहा, गिराई, मैंने तुमसे कुछ पूछने के लिए तुम्हें बुलाया था मगर तुमने तो मुझे ही मुलजिम समझ लिया है। मैं तफ्तीश कर रहा हूँ। मैं भी तफ्तीश कर रहा हूँ, उसने मुस्कुरा कर कहा। मैं सिपाही नहीं हूँ, मैं मिलिट्री इंटेलिजेंस जासूसी और सुराग रसानी के महकमे का सूबेदार हूँ। कर्नल जॉनसन को मेरी असलियत का इल्म नहीं, रेजिमेंट के सेकेंड इन कमांड और एजुटेंट के सिवा मेरी असलियत का किसी को भी इल्म नहीं। आप हिंदू लड़की की गुमशुदगी को अगवा का केस समझते होंगे लेकिन मुझे शक है कि ये मामूली सा केस नहीं है। ये मुझे उस केस की कड़ी मालूम होता है जिसकी सुराग रसाने के लिए मुझे इस कर्नल का अर्दली बनाया गया है। इसके मुतालिक शक है कि ये जासूस है। मुझे इसके बंगले में ये खबर देने के लिए अर्दली लगाया गया है कि क्या ये वाकई जासूस है और अगर जासूस है तो जापान का है या जर्मनी का। मेरी ड्यूटी यह है कि देखता रहता हूँ कि बंगले में आकर क्या करता है, कहाँ जाता है और इसके पास सिविल का कौन कौन सा आदमी आता है। मैंने अब तक जो रिपोर्टें दी हैं इनसे इस कर्नल को जासूस साबित करना मुमकिन नहीं। इसके पास अपनी यूनिट के अफसरों के अलावा MES का एक मुसलमान मेजर आता है और ये हिंदू लड़की आती है।
मैं इन दोनों की रिपोर्ट दे चुका हूँ, मगर मैं ये नहीं देख सकता कि वो बंद कमरे में क्या करते हैं। अंदर विस्की जाती है जो मैं ही लेके जाता हूँ, लेकिन शक वाली कोई हरकत नजर नहीं आती। अब आपने बताया कि ये लड़की लापता हो गई है। इधर कर्नल जॉनसन उसी रोज़ छुट्टी पर गया जिस रोज़ आप बताते हैं कि लड़की गायब हुई। इससे मुझे शक होता है कि लड़की इसी के साथ गई थी और ये अय्याशी और बदकारी का मामला नहीं है। मैंने मिलिट्री इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग अंग्रेज़ों से ली है। बाल की खाल उतार कर आपको अंदर का हाल बता सकता हूँ। ये लड़की आपने देखी नहीं, आपने बड़ी बड़ी खूबसूरत लड़कियाँ देखी होंगी, मगर इस लड़की की मुस्कुराहट और आँखों में ऐसा जादू है कि आपके सामने आए तो आप उसके पाँव में बैठकर पूछेंगे कि मेरे लिए क्या हुक्म है। ऐसी लड़कियाँ जासूसी के लिए फिट होती हैं। जापानी और जर्मन इस किस्म की हिंदुस्तानी लड़कियों को जासूसी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं सारा मामला समझ गया। एक अंग्रेज़ कर्नल का जासूस होना कोई हैरत वाली बात नहीं थी। दूसरी, जंगे अजीम के दौरान मुत्तहिद अंग्रेज़ फौजी अफसर पकड़े गए थे जो जर्मनों के जासूस थे। इनमें से ज़्यादातर तो जर्मन थे जो पहली जंगे अजीम के फौरन बाद अंग्रेज़ों के बहरूप में इंग्लैंड चले गए और फौज में भर्ती हो गए थे। पहली जंगे अजीम में जर्मनी को शिकस्त हुई थी। शिकस्त को फतह में बदलने के लिए जर्मनी की हुकूमत ने उसी वक्त अपने जासूस यूरोप और इंग्लैंड में फैला दिए थे। दूसरी जंगे अजीम तक जर्मनी के उन जासूसों को जो अंग्रेज़ों की फौज में अफसर बन चुके थे अंग्रेज़ ही समझा जाता था। जंग के दौरान इन जासूसों ने अपने कमालात दिखाए और इब्तिदा में यूरोप में अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों की शिकस्तें फाश का बायस बने। ये कर्नल इन्हीं जासूसों में से हो सकता था, लेकिन जासूस को ऐन मौके पर गिरफ्तार करना नामुमकिन होता है। वजह यह है कि जासूस अपना काम नहायत खूबी से ढके छुपे तरीके से करते हैं। अगर इन पर शक का इजहार किया जाए तो वो बचने के तरीके जानते हैं। इन्हें सिर्फ शक में पकड़ लिया जाए तो इसके दो नुकसान होते हैं। एक ये कि अदालत में उनके खिलाफ इल्ज़ाम साबित नहीं किया जा सकता, और दूसरा ये कि इनकी पार्टी के दूसरे जासूस चौकन्ने होकर सबूत और शहादत गायब कर देते हैं। जासूस बज़ाहिर अकेले अकेले होते हैं, लेकिन इनकी एक पार्टी होती है। हर पार्टी के जासूस अपने मिशन के मुताबिक फैल जाते हैं और एक दूसरे से रابطہ भी रखते हैं। बाज़ औक़ात यूं भी होता है कि एक पार्टी का एक जासूस कलकत्ता में होता है और दूसरा पिशावर में, तीसरा मद्रास में और चौथा श्रीनगर में। जासूसी के लिए मकामी लड़कियां भी इस्तेमाल की जाती हैं। कर्नल जॉनसन एक रिसाले का कमांडिंग ऑफिसर था। रिसाले में घोड़े हुआ करते थे। दूसरी चंगे असीम में घोड़ों की जगह बख्तरबंद गाड़ियां और टैंक आ गए थे। कर्नल जॉनसन के रिसाले के घोड़े वापस ले लिए गए थे और अब उसे टैंक दिए जा रहे थे। सूबेदार मोहम्मद खान जहीन और होशियार आदमी था। 10 जमाते पास था, अंग्रेजी रवानी से बोल सकता था। वो अर्दली सिपाही का रोल खुश असलूबी से अदा कर रहा था। उसने जब मुझे कर्नल जॉनसन के खिलाफ जासूसी का शक बताया और हिंदू लड़की पर भी शक का इजहार किया तो मुझे खुशी हुई कि बेकार से एक केस से जान छुड़ाने का बहाना मिल गया है। मैंने मोहम्मद खान से कहा कि मुझे मिलिट्री इंटेलिजेंस के दफ्तर में ले चले ताकि मैं ये केस इनके हवाले कर दूँ। मोहम्मद खान ने ऐसा करने से रोक दिया और कहा, मेरी तरक्की का दारोमदार इस केस पर है। अगर मैं ये साबित कर दूं कि कर्नल जॉनसन MES का मेजर और ये हिंदू लड़की जासूस हैं तो मुझे मिलिट्री इंटेलिजेंस का माहिर सुराग रसा तस्लीम कर लिया जाएगा, तरक्की भी मिलेगी और हो सकता है कि इनाम भी मिल जाए। उसने मुझे मशवरा दिया, आप इस केस से दस्तबरदार होने की कोशिश ना करें। अगर हम दोनों मिलकर इन तीनों के खिलाफ शहादत मुहैया कर दें तो इसमें आपको भी बहुत फ़ायदा मिलेगा, इनाम की तवक्को भी रखी जा सकती है। मैंने उसका मशवरा मान लिया। इसमें इनाम का लालच भी था, लेकिन सूबेदार मोहम्मद खान ने जिस तरह मेरे साथ ताबुन किया था मैं इसका सिला देना चाहता था। मैंने सोचा कि अपने इलाके का आदमी है, इसे फ़ायदा पहुंच सकता है तो इसकी मदद क्यों ना करूं। मेरे लिए मुश्किल ये थी कि मिलिट्री इंटेलिजेंस मेरी लाइन नहीं थी। जासूस चोरों डाकुओं और कातलों से बहुत मुख्तलिफ होते हैं। गैर मामूली तौर पर होशियार और ज़हीन होते हैं। इनके खिलाफ शहादत हासिल करना जुए शील लाने के बराबर होता है। मुख्तसर ये कि इंटेलिजेंस की तकनीकी मुख्तलिफ होती है। तहम मैंने फैसला किया कि कुछ अपनी अकल से काम लूँगा, कुछ सूबेदार से रहनुमाई लूँगा और इस केस को छोड़ूंगा नहीं। मैंने मोहम्मद खान से कहा कि वो अपने हेडक्वार्टर में मेरी तफ्तीश की इतला दे दे। उसे मैंने दूसरा मशवरा ये दिया कि कर्नल जॉनसन का एतमाद हासिल करने की कोशिश करो और सिर्फ अनपढ़ अर्दली ना बने रहो।
उसकी ज़ाती कमज़ोरियों को इस्तेमाल करने की कोशिश करो। मोहम्मद खान बहुत ही दानिशमंद आदमी था। उसने कहा कि कर्नल जॉनसन को हिंदुस्तान में आए 4 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है, यह अकेला रहता है, शायद इसकी बीवी है ही नहीं। इसकी एक कमज़ोरी है तो यही है कि इसकी बीवी यहाँ नहीं है। इसके ज़ेर असर कर्नल जॉनसन तन्हाई भी महसूस करता होगा। उसकी उम्र 40 साल के लगभग होगी। रात को ही सूबेदार मोहम्मद खान मिलिट्री इंटेलिजेंस के दफ्तर में गया और मेरी तफ्तीश की रिपोर्ट दे दी। दूसरी सुबह मुझे वहाँ से बुलावा आया। मैंने तमाम तफसीलात बता दी। एक अंग्रेज़ कर्नल ने मुझ पर बेशुमार सवाल दागे। वो शायद मुतमईन हो गया था। उसने पूछा कि क्या मैं इस केस को संभाल सकूँगा। मैंने उसे तसल्ली दी और मोहम्मद खान की जहानत की भी तारीफ कर दी। इस कर्नल ने मुझे ब्रिगेड हेडक्वार्टर से तहरीरी इजाज़तनामा ले दिया कि मैं कर्नल जॉनसन और मुसलमान मेजर, जिसका मैं नाम जाहिर नहीं करना चाहता, इसके सरकारी कागजात किसी भी वक्त देख सकता हूँ और इनसे किसी भी वक्त और किसी भी जगह पूछताछ कर सकता हूँ। मैंने कर्नल जॉनसन की गैर हाजिरी में उसके दफ्तर से जाकर मालूम किया कि वो छुट्टी गुजारने के लिए कहाँ गया था। वहाँ डलहौजी लिखा हुआ था। ये चूँकि जंग का ज़माना था, इसलिए फौजी अफसर जहाँ छुट्टी पर जाते थे वहाँ का पूरा एड्रेस दे जाते थे। कर्नल जॉनसन ने यह एड्रेस दिया था, मारिफत पोस्टमास्टर डलहौजी। मैं रेलवे स्टेशन गया, वहाँ से मालूम किया कि फलां तारीख को कर्नल जॉनसन की फर्स्ट क्लास सीट कौन सी गाड़ी में बुक हुई और कहाँ तक हुई थी। उनके पास रिकॉर्ड मौजूद था। जिस स्टेशन तक उसकी सीट बुक हुई, इसका डलहौजी के साथ कोई ताल्लुक नहीं था। अगर वो डलहौजी ही गया था तो वो इसी छावनी से मोटर ट्रांसपोर्ट पर गया होगा, मगर जिस स्टेशन तक उसकी सीट बुक हुई थी वहाँ से कोई मोटर ट्रांसपोर्ट डलहौजी नहीं जाती थी। रेलवे स्टेशन के इसी रिकॉर्ड को फिर देखा। मैं इस हिंदू लड़की का नाम तलाश कर रहा था। कर्नल जॉनसन की रवानगी से एक रोज़ पहले एक औरत के नाम से फर्स्ट क्लास की एक सीट बुक हुई थी, मगर नाम कुछ और था। मैंने मुतालिका बाबू से पूछा कि क्या वो इस औरत को पहचान सकेगा। फर्स्ट क्लास के मुसाफिर ज़्यादातर फौजी अफसर हुआ करते थे, अमीर कबीर शहरी इंटर या सेकेंड में सफ़र किया करते थे। बाबू ने मुस्कुरा कर कहा, बदतमीजी की माफ़ी चाहता हूँ, इस औरत को कोई देख ले तो सारी उम्र नहीं भूलेगा। मैंने दोनों तस्वीरें हिंदू लड़की की उसके आगे रख दी। बाबू ने बदतमीजी की माफ़ी तो मांग ली थी लेकिन बदतमीजी से बाज ना आया। दोनों तस्वीरें हाथ में लेकर फिल्मों के मस्खरों की तरह बोला, हाय हाय माँ हुजूर, यही थी। ये है कौन हुजूर? उसकी बुकिंग भी इसी स्टेशन तक थी जहां अगले रोज कर्नल जॉनसन गया था। मैं अपनी सोची हुई लाइन के मुताबिक मुसलमान मेजर के बंगले पर चला गया। उसके मुतालिक मुखबिरों से कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं मिली थी जो मेरे काम आ सकती, सिवाय इसके कि वो एक शाम पेशतर कर्नल जॉनसन के पास गया था। वो ज़्यादातर दफ्तर से आकर बंगले में ही रहा। मैं मेजर से मिला तो उसने पहला सवाल ये किया, लड़की का कुछ पता चला? मैंने उसे कहा, यही सवाल मैं आपसे पूछने आया हूँ। उसने लाइलमी का इजहार किया। मैंने धीमी सी आवाज़ में राजदारी के लहजे में इससे पूछा, लड़की कब वापस आ रही है? वो वापस आएगी या नहीं? आपने फिर वही रट शुरू कर दी है, मेजर ने कहा। उस रोज़ आप मान गए थे कि लड़की का मेरे साथ कोई ताल्लुक नहीं है। उस रोज़ इस केस की सूरत कुछ और थी, मैंने कहा। आज कुछ और है। वो कुछ कहने ही लगा था कि मैंने उसके बोलने से पहले उसको बोलने ना दिया और कहा, सुनो मेजर साहब, मेरी नीयत और मेरे खुलूस को समझने की कोशिश करो। बेशतर इसके कि मैं तुम्हें गिरफ्तार कर लूँ, मैं मुसलमान की हैसियत से तुम्हारी बीवी और दो मासूम बच्चों का ख्याल करते हुए ये मौका देता हूँ कि एक बाले जुर्म कर लो, मैं तुम्हें सुल्तानी गवाह बना लूँगा। हो सकता है कि इसके बाद तुम सर्विस में ना रह सको लेकिन बड़ी लंबी कैद से बच जाओगे, और शायद, मैंने आगे झुककर कहा, शायद सजाए मौत से बच जाओ। बहरहाल तुम जेल तक नहीं जाओगे, मैं वादा करता हूँ। उसने मुस्कुराने की कोशिश की और उसका रंग पीला पड़ गया, सोच में खो गया। मैं खामोश बैठा रहा। वो इतनी देर में संभल गया और बोला, क्या ऐसी लड़की की गुमशुदगी मुझे फांसी के तख्ते तक पहुंचा सकती है, जिसे मैं सिर्फ इतना ही जानता हूं कि अमीर कबीर और ग्रेजुएट सोसाइटी कर्ल है, वो इससे ज़्यादा भी कुछ है? मैंने कहा, इससे आगे मैं कुछ नहीं जानता। उसने कहा, आप जो कार्रवाई करना चाहते हैं कर लें, मैं तुम्हें सोचने का मौका देता हूँ, मैंने कहा और उसके बंगले से निकल आया। मैंने उसे सोचने का मौका दे दिया था लेकिन मैं खुद उस सोच में पड़ गया कि क्या ये मेजर जासूसी का मुजरिम है।
सूबेदार मोहम्मद खान ने, रेलवे रिकॉर्ड ने और लड़की के फर्जी नाम से बाहर जाने ने मुझे यकीन दिला दिया था कि मामला गड़बड़ है। मगर क्या मेजर भी इस रिंग का मेंबर है? ताहम मैंने उसे आग लगा दी थी। अब मेरे मुखबिरों को यह देखना था कि वो इस आग को सर्द करने के लिए क्या करता है और कहाँ जाता है। मैंने एक कामयाबी भी हासिल कर ली कि मेजर के खानसामे को भी मुखबिरों में शामिल कर लिया और उसे धमकी दी कि उसका मेजर सीधा जेल जा रहा है, अगर उसने खानसामे ने गद्दारी की तो वो भी जेल में जाएगा। रात को मोहम्मद खान आ गया। वो कर्नल जॉनसन का जांबाज मोतमिद बन गया था। मैंने उसे रेलवे की तफ्तीश के मुतालिक बताया जो उसने अपने रोजनामचे में भी लिख लिया। हम दोनों अगली कार्रवाई के लिए प्लान बनाते रहे। दूसरे दिन शाम के वक्त मैं कर्नल जॉनसन के बंगले में गया। मोहम्मद खान ने मेरे साथ कोई बात न की, अंदर कर्नल को इतला दी, फिर मुझे बुलाया। मोहम्मद खान बाहर निकल गया। मैंने कर्नल जॉनसन को ब्रिगेड हेडक्वार्टर का इजाज़तनामा बराए तफ्तीश दिखाया। तुमने किसी हिंदू लड़की के मुतालिक मुझसे पूछा था? उसने कहा, उसके मुतालिक मैं कुछ नहीं जानता। कर्नल साहब, मैंने उससे पूछा, आपने छुट्टी कहाँ गुजारी है? डेलहौजी। कयाम किस होटल में किया? मैंने पूछा। रेस्ट हाउस में रहे या कहीं और? देखो इंस्पेक्टर, उसने कहा, ब्रिगेड हेडक्वार्टर का ये इजाज़तनामा तुम्हें बिल्कुल इजाज़त नहीं देता कि तुम मेरी प्राइवेट जिंदगी की बातें भी पूछो। कर्नल साहब, मैंने कहा, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि मेरे साथ तआवुन करें। मैं आपका नौकर हूँ, आपके शहनशाह के कानून के तहफ़ के लिए भाग दौड़ कर रहा हूँ। क्या आप अपने कानून का एहतराम नहीं करेंगे? आप ये बता दें कि डेलहौजी जाने के लिए आप कौन से रेलवे स्टेशन पर उतरे थे और कौन सी रोड ट्रांसपोर्ट से डेलहौजी पहुंचे थे। वो इतना कच्चा आदमी नहीं था, जानता था कि रवानगी के स्टेशन, बुकिंग और आखिरी स्टेशन की पड़ताल की जा सकती है। उसने आखिरी स्टेशन सही बताया और फिर ये बताया कि वो एक दिन वहाँ रहा, वहाँ से स्टेशन तक गया और एक दोस्त की कार से डेलहौजी गया। मैंने अपना ये सवाल दोहराया कि वो डेलहौजी कहाँ ठहरा था। उसने जवाब देने की बजाय टाल मटोल की। मैंने मुसलसल एक घंटा उसके साथ मगज़ खपाई की, मगर उसने ऐसे ऐसे पैंतरे बदले कि मुझे परेशान कर दिया। कमरे के अंदरूनी दरवाजे का पर्दा गिरा हुआ था। पर्दे के नीचे मुझे दो पांव नजर आए। ये मोहम्मद खान के पांव थे। वो छुपकर हमारी बातें सुन रहा था। ये ज़रूरी नहीं था कि कर्नल जॉनसन मुझे हर सवाल का सही जवाब देता और ना ही मुझे उम्मीद थी कि वो सही जवाब देगा। मुझे उसका सिर्फ रवैया देखना था। वो मैंने देख लिया था। कर्नल जॉनसन ने डेलहौजी तक के सफ़र को पुरअसरार बना दिया था। मैं इसरार करता ही रहा कि वो मुझे बता दे कि वो कहाँ ठहरा था। मैं शिकार खेलने गया था, उसने जवाब दिया। बाहर गेम करता रहा हूँ। मुझे वो इलाका बता दें जहाँ आपने शिकार खेला है। मैंने पूछा, आपने कुली तो ज़रूर लिए होंगे? उसने जिद होकर जवाब दिया, मैं यहाँ बैठा उस इलाके की निशानदही नहीं कर सकता। मुझे अपने कारतूसों का रिकॉर्ड ही दिखा दें। मैंने कहा, आपने कितना एमुनेशन फायर किया, कितना खरीदा, कहाँ से खरीदा? वो गुस्से से उछल पड़ा और कहने लगा, मैं ब्रिगेड कमांडर से बात करके तुम्हारे साथ बात करूँगा। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि एक इंडियन इंस्पेक्टर मुझे खटिया किस्म का मुल्ज़िम समझ ले। तुम जा सकते हो। मैं वहाँ से ये यकीन लेकर थाने चला गया कि कर्नल जॉनसन और हिंदू लड़की अगर जासूस नहीं तो जासूसी की हद तक पुरअसरार ज़रूर हैं। मगर मुझे तफ्तीश के लिए कोई ऐसा जाविया नज़र नहीं आ रहा था जिस तरफ से मैं हमला करूँ और कामयाब हो जाऊँ। रात सूबेदार मोहम्मद खान ने आकर बताया कि मुसलमान मेजर कर्नल जॉनसन के घर गया था और बहुत देर बाद वापस हुआ। मेरे मुखबिरों ने सुबह कर मुझे बताया कि रात 11 बजे मेजर बाहर निकला, उसका ताकुब किया गया लेकिन वो आबादी में कहीं गायब हो गया। 12:30 बजे वापस आया, उसके साथ दो आदमी थे जिन्हें अंधेरे की वजह से पहचाना न जा सका। कर्नल जॉनसन अपने बंगले में रहा। मुखबिर अभी रिपोर्ट देकर रुख्सत हुए ही थे कि हिंदू लड़की का बाप आ गया। मैं सोचने लगा कि ये भी जासूसों के रिंग का मेंबर हो सकता है और ये अपनी बेटी को इस्तेमाल कर रहा है। जनाब, केस ख़त्म कर दें, उसने कहा। लड़की रात को वापस आ गई है, कहती है कि सहेलियों के साथ डेलहौजी चली गई थी। और आपने मान लिया कि वो सहेलियों के साथ गई थी? मैंने पूछा। और वो डेलहौजी ही गई थी? बहरहाल वो वापस आ गई है, उसने शिकस्त खाए हुए लहजे में दबी दबी जबान से कहा। ये तो मेरी बदकिस्मती है कि मैं इस किस्म की लड़की का बाप हूँ। मैं मानूँ या ना मानूँ इससे उसे क्या फ़र्क पड़ता है?
बहरहाल आपका केस ख़त्म हो गया है। जी नहीं महाराज, मैंने उसे कहा, केस अब शुरू हुआ है, आप लड़की को यहाँ ले आएं। वो पसोपेश करने लगा, लड़की को थाने में नहीं लाना चाहता था। मैंने उसे कहा कि अगर आप लड़की को मेरे पास नहीं लाएंगे तो फिर मैं आपके खिलाफ मुकदमा खड़ा कर दूंगा। क्या आपने एक मुसलमान मेजर को एक गलत बिल पास करने पर मजबूर करने के लिए अपनी लड़की को घर में छुपाए रखा और मेजर के खिलाफ शक का तहरीरी तौर पर इजहार किया? वह सख्त घबराया। उसने हाथ जोड़कर कहा, क्या आप जितनी रकम मांगते हैं अभी दे दूंगा, ये केस फाइल कर दें। मैं इस लड़की के हाथों पहले ही बहुत परेशान हूँ। मुझे ख्याल आया कि अगर इसे लड़की को लाने के लिए भेज दिया तो ये लड़की को कहीं गायब करके कह सकता है कि मालूम नहीं कहाँ चली गई है। मैंने अपने एएसआई से कहा कि लड़की को ये बताकर ले आए कि तुम्हारा बाप थाने में बैठा है और तुम्हें बुला रहा है। वो चला गया। वो लड़की को एक घंटे बाद ले आया। वो वाकई गैर मामूली तौर पर खूबसूरत थी, बल्कि उसका हुस्न खतरनाक था। मैंने उसके बाप को बाहर निकाल दिया और लड़की से पूछा कि वो कहाँ गई थी। उसने जवाब दिया कि सहेलियों के साथ डलहौजी चली गई थी। मैंने पूछा कि वो सहेलियाँ कौन कौन हैं, उनके नाम क्या हैं और वो डलहौजी कौन से होटल में ठहरी थी। मैं बालिग हूँ, जहाँ चाहूँ जा सकती हूँ और जहाँ चाहूँ ठहर सकती हूँ, उसने जवाब दिया। बालिग हो जाने से लड़की को ये इजाज़तनामा नहीं मिल जाता कि वो अपने वालदेन को और पुलिस को परेशान कर सकती है। मैंने उसे कहा, तुम्हारे बाप ने रिपोर्ट रजिस्टर कराई थी कि तुम लापता हो गई हो। पुलिस कई दिनों से तफ्तीश कर रही है और तुमने आके कह दिया है कि मैं बालिग हूँ। अब तुम्हें यह साबित करना पड़ेगा कि तुम अपनी सहेलियों के साथ डलहौजी गई थी। मुझे उस घर का या होटल का नाम बताओ जहाँ तुम ठहरी थी और सहेलियों के नाम पते भी लिखवाओ। पुलिस के साथ उसे पहली बार पाला पड़ा था। उस पर खामोशी तारी हो गई। कभी बेचैन नजरों से मुझे देखती थी और कभी सर झुका लेती थी। मैंने उससे पूछा कि तुम कौन सी गाड़ी से गई थी और किस तारीख को गई थी। उसने कहा कि वो बस से गई थी और तारीख भी गलत बताई। मैंने उसे कहा, तुम फला तारीख फला गाड़ी से फर्स्ट क्लास में गई थी। कहो तुम्हें यह भी बता दूं कि तुमने किस स्टेशन पर गाड़ी छोड़ी और वहां से कहां गई। उसकी आंखें उबल कर बाहर आने लगी। मैंने उसे संभलने नहीं दिया और पूछा, अगर तुम बता दो कि कर्नल जॉनसन के साथ तुम कहां कहां गई थी तो मैं तुम्हें सुल्तानी कवा बना लूंगा। मैं कर्नल जॉनसन को जानती ही नहीं, उसने ज़रा संभल कर कहा। वो कौन है जिसके सामने तुम फला मेजर के बंगले में दादेश दिया करती थी? मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, और तुम कहती हो कि तुम उसे जानती ही नहीं। वो ढीठ हो गई, कहने लगी, अगर ऐसी बात थी तो आप मुझे मौके पर गिरफ्तार कर लेते। इसके बाद उसका खौफ ख़त्म हो गया और वो संभल संभल कर बातें करने लगी। मैंने उसे घेरने के लिए इतनी बातें की कि मेरे जबड़े थक गए। इंस्पेक्टर साहब, उसने कहा, आप क्यों अपना वक्त ज़ाया करते हैं, चलिए मैं आपके साथ भी दादेश दे सकती हूँ, ख़त्म कीजिए बस इस चक्करबाजी को। उसने मेरा हाथ अपने हाथ में ले लिया। मैंने उसकी आंखें मुस्कुराहट देखी तो मैं एक बार तो कांप ही गया। इस मुस्कुराहट से और आंखों की चमक से बचना आसान काम नहीं था। तफ्तीश का ये मरहला बड़ा ही सब्र आजमा होता है। पत्थर भी मोम हो जाया करते हैं। बड़े बड़े जाबिर थानेदारों की थानेदारियाँ रेत की ढेरियाँ बन जाती हैं और जंजीरें पिघल जाती हैं। मैं फरिश्ता नहीं था, लेकिन अल्लाह ने मुझे बचा लिया कि लड़की का बाप अंदर आ गया। मेरा एएसआई उसे पीछे घसीट रहा था। मैं कमरे से निकल गया और लड़की के बाप को इस कदर डांट पिलाई कि लड़की के हुस्न का जादू उतर गया। लड़की के बाप को मैंने थाने से निकाल दिया। मैं खतरा मोल ले रहा था। लड़की मेरी निगाह में मुश्तबा थी, मगर कोई शहादत नहीं थी सिवाय इसके कि इसने अपने खिलाफ शक पुख्ता कर दिया था। मैं उसे आज़ाद नहीं छोड़ सकता था और उसे हिरासत में भी नहीं ले सकता था। खतरा ये था कि उसका बाप मेरे खिलाफ अपनी बेटी को हब से बेजा में रखने की फौरी चारा जोई कर सकता था। मामला जवान और खूबसूरत लड़की का था। कोई मर्द होता तो मैं न डरता। लड़की मुझ पर महज झूठा इल्ज़ाम आयद कर सकती थी कि मैंने उसकी इज्जत पर हमला किया है, ये साबित तो ना हो सकता था, लेकिन जज लड़की को देखकर मेरे खिलाफ शक कर सकता था। मैंने ये भी सोचा कि उसे मिलिट्री इंटेलिजेंस के हवाले कर दूं, लेकिन मेरे पास कोई ठोस जवाब नहीं था। और हकीकत यह है कि लड़की में वाकई ऐसा जादू था कि मेरा ईमान लुढ़क सकता था। शाम हो गई
उसका बाप फिर आ गया। मैंने उसकी तहरीरी जमानत पर लड़की उसके हवाले कर दी और सख्ती से हिदायत दी कि लड़की हर वक्त घर में रहे और जब भी तलब की जाए फौरी तौर पर पेश की जाए। बाप को मैंने खबरदार कर दिया कि उसने ज़रा सी भी हेरा फेरी की तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लड़की चली गई। मैं सूबेदार मोहम्मद खान का इंतज़ार करता रहा मगर वो ना आया। सारे दिन मैंने आजमाइश के तौर पर लड़की को बुलाया। उसका बाप उसे फ़ौरन ले आया। मैंने लड़की को उकसाया कि वो इकबाल जुर्म करके सुल्तानी गवाब बन जाए। उसने अपना जुर्म पूछा लेकिन मैंने उसे नहीं बताया। कुछ देर बाद मैंने उसे वापस भेज दिया और सोचने बैठ गया कि कौन सी लाइन इख्तियार करूं। इतने में टेलीफोन की घंटी बची। मेजर बोल रहा था। उसने कहा, आपने मुझे सुल्तानी गवाह बनने की पेशकश की थी। मैंने इस पर गौर किया है और फैसला किया है कि आपके मशवरे पर अमल करूं। आप मुझे किस तरह यकीन दिला सकते हैं कि मुझे सुल्तानी गवाह ज़रूर बना लिया जाएगा? अगर पसंद करें तो रात 10:30 बजे मेरे बंगले में आ जाएं, तफसीली बात कर लेंगे। मैं एहतियात की गर्ज से थाने में नहीं आना चाहता, मुतालिका लोग देख लेंगे, फिर इन्हें पकड़ना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। मैं बहुत खुश हुआ, सुल्तानी गवाह मिल जाने से तफ्तीश की सरदर्दी ख़त्म हो जाएगी। मैंने उसे बताया कि मैं रात 10:30 बजे आ जाऊंगा। मैं खुश तो ज़रूर था लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहली कहानियों में बताया है कि मुजरिम के इकबाल जुर्म से केस मुकम्मल नहीं हो जाया करता, यहाँ भी ख़तरा था कि अगर एक मुलजिम इकबाल जुर्म करेगा तो क्या मुझे शहादत भी मिल जाएगी? ये तो अक्सर होता था कि एक मुलजिम को सुल्तानी गवाह बनाकर इस पर एतमाद किया और नामुकम्मल सी शहादत लेकर कोर्ट में चले गए। वहाँ सुल्तानी गवाह मुनहरिफ हो गया और कह दिया कि लालच देकर मुझसे इकबाल जुर्म कराया गया है। यहाँ ये खतरा ज़्यादा शदीद था क्योंकि ये जासूसी का मामला था। जासूसी की शहादत फराहम करना पास मामला में नामुमकिन हो जाता है। ताहम मेजर से मिलने में कोई हर्ज नहीं था। मैं सूबेदार मोहम्मद खान का इंतज़ार कर रहा था। वो आ जाता तो मैं जासूसी के मुतालिक 2-4 बातें पूछ लेता मगर वो ना आया। शाम हो गई, फिर रात के 9 बज गए। मैं मेजर के यहाँ जाने की तैयारी करने लगा, रिवॉल्वर पतलून की जेब में डाल लिया और किसी हद तक फातिहाना अंदाज से चल पड़ा। मैं बहुत खुश था कि जासूसी का पहला ही केस हाथ में लिया है और कामयाब रहा हूँ। मैं मेजर के बंगले से ज़रा दूर टांगे से उतरा ताकि अपने किसी मुखबिर को पता चल जाए कि मैं अंदर जा रहा हूं। एक आदमी मिल गया। उसने बताया कि थोड़ी देर पहले एक आदमी अंदर गया है, उससे 15 मिनट बाद एक कार अंदर गई है जिसमें 4 आदमी थे। मुखबिर इन आदमियों के हुलिये ना बता सका क्योंकि रोशनी दूर थी। मैं सोच में पड़ गया कि अंदर जाऊँ या ना जाऊँ। मुझे मालूम नहीं था कि ये लोग जासूसी के गिरोह के थे या मेजर के मुलाकाती थे। मैं अंधेरे में हाथ मार रहा था और इन अनदेखे 4 आदमियों को शनाख्त करने की कोशिश कर रहा था। बहुत सोचा और आखिर इस नतीजे पर पहुंचा कि मेजर के मुलाकाती होंगे। अंदर इतला करा देता हूँ, मेजर बाहर आ जाएगा। मैं बंगले के फाटक में दाखिल हो गया। बरामदे के साथ कार खड़ी थी। ये पुराने दौर का बंगला था। इर्द गिर्द खुली जगह थी और चारों तरफ 2-2.5 गज ऊंची फसील थी। एक तरफ बागीचा था और दरख्त भी थे। मैं बरामदे में दाखिल हुआ और दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से एक आदमी बाहर आया, नौकर लगता था। उसने बरामदे की बत्ती नहीं जलाई। उसने आहिस्ता से पूछा, आप दरोगा हैं? मैंने हाँ कही तो उसने कहा कि आइए, मेजर साहब आपका इंतज़ार कर रहे हैं। वो मेरे आगे आगे चल पड़ा। ये एक कमरा था, बत्ती नहीं जल रही थी। उसने अगले कमरे का दरवाज़ा खोला, वो कमरा रोशन था। उसने कहा कि अंदर चले जाएं। मैं अंदर गया तो मेरे पीछे दरवाज़ा बंद हो गया। कमरा वसी था। मैं इस कमरे में पहले भी आ चुका था। अब देखा कि वहाँ कोई भी नहीं था। एक कोने में फ्लोर लैम्प चल रहा था। मैं समझा कि मेजर दूसरे कमरे में मुलाकातियों के साथ मसरूफ होगा। मैं एक सोफे पर बैठने ही लगा था कि मुझे खून की बू महसूस हुई। मैं इस बू से वाकिफ था। कई ताज़ा लाशें और जख्मी मेरे हाथों से गुजर चुके थे। इंसानी खून की बू को मैं 2 मील दूर से भी सूंघ सकता था। मेजर का ड्राइंग रूम भी ताज़ा खून की बू से भरा हुआ था। मैं बैठते बैठते सीधा खड़ा हो गया। मुझे कुछ ऐसे महसूस होने लगा जैसे कोई अनहोनी बात हो चुकी है या होने वाली है। थानेदारी की छठी हिस्स बेदार हो गई। मेरी निगाहें फर्श पर तेजी से घूमने लगीं। मुझे बड़े सोफे के पीछे से खून की लकीर सामने आती नजर आई। फर्श पर दरी या कालीन नहीं था,
सीमेंट का चमकीला फर्श था। मैंने सोफे के पीछे जाकर देखा, वहां मेजर की लाश पड़ी थी। लाश पीठ के बल थी, दाईं टांग बाईं के ऊपर थी, दायां हाथ सीने पर रखा था और दूसरा बाजू फर्श पर था। और खून इतना ज्यादा कि मेजर के तमाम कपड़े लाल सुरख थे। उसे खंजर या चाकू के मुतहद वार करके हलाक किया गया था। मैं अभी सोचने भी ना पाया था कि ये क्या वाकया है कि मुझे अपने पीछे हल्की सी सरसराहट सुनाई थी। मैं पीछे देख नहीं लगा था कि किसी ने पीछे से मेरे दोनों बाजू जकड़ लिए। इसके साथ ही पीछे से किसी ने मेरे मुंह पर इतना बड़ा कपड़ा फेंका जिसमें मेरा सारा चेहरा सर से ठोड़ी तक ढक गया। कपड़ा मोटा था, नहायत फुर्ती से कपड़ा मेरे सर के पीछे बांध दिया गया। इस दौरान किसी के हाथ ने मेरे पतलून की जेब से रिवॉल्वर निकाल लिया। जिस्मानी लिहाज से मैं गया गुजरा तो नहीं था, मैंने जिस्म को पूरी ताकत से दाएं से बाएं को झटका दिया। एक आदमी मेरे जिस्म से अलग होकर गिरा, मगर बड़ी तेजी से मेरे एक टखने से मजबूत रस्सी बांध दी गई। रस्सी खींची गई तो मैं पांव पर खड़ा न रह सका। टखना दूसरे टखने से जा मिला, मैं एक पहलू की तरफ गिरने लगा तो दो आदमियों ने मुझे पकड़ लिया। फौरन ही दूसरा टखना भी रस्सी से बांध दिया गया। मेरी आंखें बंद थीं, मुंह बंद था, दोनों बाजू पीछे को जकड़े हुए थे। फौरन ही मेरी कलाइयां भी रस्सी से बांध दी गईं। मेरे अंदाजे के मुताबिक वो चार आदमी थे, उन्होंने मुझे लाश की तरह उठा लिया। ये सारा काम हैरानकुन तेजी से हुआ। खून की लकीर देखने से लेकर उठाए जाने तक पूरे 2 मिनट भी सर्फ नहीं हुए होंगे। वो मुझे उठा के ले चले तो पहला ख्याल ये आया कि ये रात मेरी जिंदगी की आखिरी रात है। ये सोचना कि ये लोग मुझे कहीं ले जाकर मजबूर करेंगे कि मैं जासूसी का केस दबा लूं तो मैं राजी हो जाऊंगा और ये लोग मुझे आज़ाद कर देंगे, महज खुशफहमी थी। वो मुझे कत्ल करके लाश कहीं दबा देने या दरिया जो करीब ही था बहा देने के लिए ले जा रहे थे। मुझे पहली बार महसूस हुआ कि जासूस बहुत ही खतरनाक होते हैं और वो कत्ल तक कर गुजरते हैं। मगर यह एहसास मेरे अंदर उस वक्त पैदा हुआ जब वक्त गुजर चुका था। अब यह एहसास मेरे साथ उस कब्र में जा रहा था जिसे कोई देख भी नहीं सकेगा। अगर मुझे 2 सेकंड का भी मौका मिल जाता तो मैं इन लोगों का मुकाबला करता। फिर वो मेरी लाश उठा के वहाँ से निकलते और एक लाश उनके अपने साथी की भी होती। मगर खुदा को यही मंजूर था कि मेरा अंजाम यही हो। मुझे नजर नहीं आता था कि मुझे किस तरफ ले जाया जा रहा है। वो लोग बिल्कुल खामोश थे, उनकी हल्की सी सरगोशी भी नहीं सुनाई देती थी। वो इस काम के तरबियत याफ्ता और तजुर्बेकार नजर आते थे। उस दौर में यानी कि दूसरी जंग अजीम के आगाज में अभी कमांडो और गोरिल्ला जैसे अल्फाज से कोई वाकिफ नहीं था। ये लोग हिंदुस्तानी ही होंगे लेकिन वो जर्मनी के तजर्बेकार कमांडो गोरिल्ले लगते थे। मैं पेशावर मुजरिमों के कमाला से अच्छी तरह आगा था लेकिन उनमें ये तेजी और उस्तादी नहीं थी जो मैंने इनमें देखी। उन्होंने मुझे कार की पिछली सीट पर फेंका, फिर सीट से नीचे लुढ़का कर मेरी टांगें दोहरी कर दीं। सीट पर 2 या शायद 3 आदमी बैठ गए, उन्होंने पाँव मेरे जिस्म पर रख दिए। ये 2 आदमियों के पाँव थे। कार के दरवाजे बंद हो गए, इंजन स्टार्ट हुआ और कार चल पड़ी। मैंने दिल में दुआ की कि मुखबिर ने जो बंगले के बाहर खड़ा था मुझे देख लिया हो, मगर तवक्को कम ही थी। कार बंगले से जरा आहिस्ता निकली, मैं नहीं समझ सका कि वो किस तरफ मुड़ी। अचानक उसकी रफ्तार तेज हो गई। मैं सोचने लगा कि ये सब क्या हुआ है। मेजर ने इकबाल जुर्म करने और सुल्तानी कवाब बनने की ख्वाहिश जाहिर की थी। इसने मेरे साथ टेलीफोन पर बात की थी, उसके किसी मुलाजिम ने सुन लिया होगा और ये मुलाजिम भी उसी गिरोह का आदमी होगा। उसने कर्नल जॉनसन या अपने गिरोह का जो कमांडर था उसे बता दिया होगा। ये लोग चूंकि तरबियत याफ्ता थे इसलिए इन्होंने एक पत्थर से 2 शिकार किए। मैंने वो वक्त पेश नज़र रखा जब मुझे मेजर के बंगले में जाना था। मेरे लिए उन्होंने जाल बिछा रखा था। मेरे वहाँ पहुँचने से पहले मेजर को कत्ल किया गया। उन्होंने उसे कहा होगा कि वो इकबाल जुर्म ना करे, वो नहीं माना होगा, लिहाजा उसे कत्ल कर दिया गया। इसके बाद वो मेरे इंतज़ार में बैठ गए और उनकी स्कीम 100% कामयाब रही। इसमें हिंदू लड़की का भी अमल दखल होगा। उसने अपने गिरोह को बताया होगा कि उसे बाप की शख्सी जमानत पर रिहा करके पाबंद कर लिया गया है और ये इंस्पेक्टर उसे छोड़ेगा नहीं। गिरोह में कोई ऐसा जहीन आदमी भी था जिसे मालूम था कि थाने में उनके खिलाफ कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई, इसलिए इंस्पेक्टर को गायब कर देने से ये केस भी गायब हो जाएगा। ये सही था कि ये केस मेरे सीने में था, कागजात पर नहीं था। यह सूबेदार मोहम्मद खान और मिलिट्री इंटेलिजेंस के 2 अंग्रेज अफसर आगा थे कि मैं इस सिलसिले में तफ्तीश कर रहा हूँ।
मैंने एक टेक्निक की गलती की थी। मुझे चाहिए था कि मिलिट्री इंटेलिजेंस से ये रिपोर्ट लिखवा लेता कि फला फला अफराद पर जासूसी का शक है, इनके खिलाफ तहकीकात की जाए। मैंने इस कागजी कार्रवाई की तरफ तवज्जो ही ना दी और मोहम्मद खान की बातों में आकर तफ्तीश शुरू कर दी। मगर कागजी कार्रवाई होती या ना होती, मैं ऐसे माहिर जासूसों के कब्जे में आ चुका था जिन्हें कुछ परवाह नहीं थी कि उनके खिलाफ कोई कागजी कार्रवाई हुई है या नहीं। उनकी अपनी कार्रवाई हर लिहाज से कामयाब थी। वो मुझे ख़त्म करके कहीं दबा देने के लिए ले जा रहे थे। कोई मौजज़ा ही मुझे बचा सकता था। मैंने खुदा से यही इल्तिजा की कि ये लोग मुझे मारने से पहले एक आध मिनट के लिए आज़ाद कर दें। मैं मर्दों की तरह मरना चाहता था। कार की रफ्तार बहुत तेज़ थी, बाहर की कोई आवाज़ नहीं सुनाई देती थी। कुछ देर बाद मैंने महसूस किया कि कार अब मुड़ नहीं रही थी। शहर के मोड़ ख़त्म हो गए थे। कार यकीनन शहर से बाहर निकल गई थी। कार की रफ्तार अचानक इस तरह कम हुई जैसे ड्राइवर ने एक्सीलेटर से यकलक पांव उठा लिया हो। मुझे कार में किसी की आवाज़ सुनाई थी, दे हैव ब्लॉक द रोड, उन्होंने सड़क बंद कर रखी है। ये आवाज़ किसी अंग्रेज़ की थी। मेरे ऊपर से यानी पिछली सीट से किसी ने कहा, सड़क को छोड़ो दाएं। इस आवाज़ का लबो लहजा हिंदुस्तानी था। इसके साथ कार दाएं तरफ को मुड़ी। मैंने इसे नीचे उतरते महसूस किया। यहाँ कोई रास्ता नहीं था, कार उछल रही थी। मेरी हड्डियाँ टूटने लगीं। मुझे फिर आवाज़ आने लगी, वो हमारा ताकुब कर रहे हैं। कार की रफ्तार और तेज़ हो गई, लेकिन इतनी नहीं जितनी सड़क पर थी। ड्राइवर ने गियर बदला और कार दाएं बाएं होने और उछलने लगी। पिछली सीट से एक आदमी उठा, उसके पांव मेरे ऊपर थे। उसके जिस्म का सारा बोझ मेरे सीने पर आ गया। मैंने महसूस किया कि वो आगे कुछ झुक गया है। अचानक कार का इंजन बंद हो गया। अगली सीट से अंग्रेज की आवाज़ आई, व्हाट इज इट, ये क्या है। कार को कच्ची ज़मीन ने रोक लिया। मैंने कार का दरवाज़ा खुलता सुना। मेरे ऊपर जो आदमी खड़ा था वो मेरे ऊपर से हट गया। बाहर से आवाज़ आई, हैंड्स अप, जो हिले जुलेगा मारा जाएगा। ये आवाज़ सूबेदार मोहम्मद खान की तरह लगती थी। फौरन बाद किसी दूसरी गाड़ी की ब्रेकें लगीं, फिर दौड़ते कदमों की आवाज़ें सुनाई दीं। इसके साथ किसी अंग्रेज़ की बुलंद आवाज़ सुनाई थी, इस पर गोली चलाओ कमर से नीचे। कोई भाग गया था, उसे जिंदा पकड़ने के लिए टांगों पर गोलियां चलाई जा रही थीं। इधर से यह के बाद दिख रहे रिवॉल्वर की 3 गोलियां फायर हुईं, उधर से 4 गोलियां फायर हुईं। कार में बैठे हुए आदमी को बाहर निकाला गया। बाहर भाग दौड़ थी, मैं अभी अंदर पड़ा था। मुझे डर यह था कि बंदे बंदे ही मुझे गोली ना लग जाए। आखिर मुझे बाहर निकाला गया। मेरे हाथ और पाँव खुल गए, चेहरे से कपड़ा भी हट गया। बहुत से आदमी बैक वक्त बोल रहे थे, ज़्यादातर अंग्रेज़ी बोली जा रही थी। ये सब अंग्रेज थे। पिछली गाड़ी की बत्तियां जल रही थीं। मैंने सबसे पहले सूबेदार मोहम्मद खान को देखा। उसने मेरे साथ बगलगीर होकर पूछा, गिराई ठीक हो। फिर मुझे 2 पावर्ती अंग्रेज अफसर नजर आए और फिर मैंने 4 गोरों को देखा। ये सब मिलिट्री पुलिस के थे और सबसे आखिर में मुझे कर्नल जॉनसन नजर आया। उसे मिलिट्री पुलिस के 2 गोरे बाजुओं से पकड़े हुए ला रहे थे। वही कार में से भागा था, उसकी एक टांग से खून उबल रहा था। उसने अंग्रेजी में पहली बात ये कही कि मुझे अस्पताल ले चलो। उसे मिलिट्री पुलिस की गाड़ी में बिठा दिया गया। 2 और आदमी थे जो मेरी वाली कार में थे, वही मुझे उठाकर लाए थे। इन्हें एक ही हथकड़ी में बांध दिया गया और इन्हें भी मिलिट्री पुलिस की गाड़ी में ले गए। एक अंग्रेज मेजर कार के स्टेयरिंग पर बैठ गया, उसके साथ एक गोरा सर्जेंट बैठा। पिछली सीट पर मुझे और सूबेदार मोहम्मद खान को बिठाया गया। कार चली तो मोहम्मद खान ने मुझे कहा, गिराई तुम्हारे टखने और हाथ मैंने बांधे थे। मैंने उसे हैरान होकर देखा तो उसने कहा, मैं भी इन कोरों में था जो तुम्हें मेजर के बंगले से उठाकर लाए थे। अभी चुप रहो, कल सारी बात बताऊंगा। मेजर को कत्ल किसने किया है, मैंने पूछा। मालूम नहीं, उसने कहा, हमारे वहां जाने से पहले कत्ल हो चुका था, अभी ज्यादा न बोलो। इतने में अंग्रेज मेजर ने हमारे साथ बातें शुरू कर दी। कार छावनी में दाखिल हुई, दूसरी गाड़ी फौजी अस्पताल की तरफ चली गई। हमारी कार मुसलमान मेजर के बंगले में दाखिल हो गई। अंग्रेज मेजर को अभी गालिबन ये नहीं बताया गया था कि मुसलमान मेजर कत्ल हो चुका है। हम सब कार से उतरे और बंगले के अंदर चले गए। अंग्रेज मेजर मौका वारदात देखना चाहता था। ड्राइंग रूम में गए तो मेजर आगे आगे था। सूबेदार मोहम्मद खान उससे आगे हो गया और मेजर को ड्राइंग रूम में सोफे के पीछे ले गया, जहाँ मुसलमान मेजर की लाश पड़ी थी। अंग्रेज मेजर ने घबरा कर पूछा, ये क्या है। हम जब बंगले के फाटक में दाखिल हुए तो एक आदमी अंदर से निकल कर बरामदे में आया।
मोहम्मद खान ने कहा, हम कार में थे, इसे पहचान नहीं सके। वो एक तरफ को दौड़ पड़ा और फसील कूद कर गायब हो गया। अमन हम अंदर गए तो मेजर की लाश नजर आई। ये कत्ल तुम्हारी स्कीम में तो नहीं था, मेजर ने पूछा। नहीं, सूबेदार मोहम्मद खान ने जवाब दिया, ये मेजर पूरी तरह हमारी स्कीम में शामिल था। कर्नल जॉनसन भी इससे मुतमईन था, इसे कत्ल करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अंग्रेज़ मेजर ने मुझसे मुखातिब होकर कहा, इंस्पेक्टर मालूम है कि ये केस तुम्हारा है, हमारे इस केस के साथ कोई ताल्लुक नहीं, फिर आप सब यहाँ से दूर हट जाएं। मैंने उसे कहा, इस कमरे से निकल जाएं, मैं इसके अर्तली और खान सामा को बुलाता हूँ, वो दोनों आपको नहीं मिलेंगे। सूबेदार मोहम्मद खान ने कहा, इन्हें शाम को ही छुट्टी दे दी गई थी। मैंने मकतूल के फ़ोन से अपने ASI को बमे ज़रूरी अमले के फौरन आने को कहा ताकि लाश के मुतालिक कार्रवाई करे। इसके बाद मिलिट्री पुलिस के इस मेजर ने मुझे और मोहम्मद खान को अपने साथ लिया और अपने हेडक्वार्टर में ले गया। वहाँ मेरे तफसीली बयानात कलमबंद किए गए। शहर के 3:30 बज गए। फिर उन्होंने मुझे कहा कि मैं इन्हें हिंदू लड़की के घर ले चलूँ, उसे गिरफ्तार करना था। मैं उनके साथ हो गया। हिंदू की कोठी बहुत शानदार थी। लड़की का बाप दस्तक पर बाहर आया, उसे लड़की को बाहर लाने को कहा गया। वो मिन्नत समाजत और पसोपेश करने लगा। अंग्रेज मेजर ने रिवॉल्वर निकाल लिया और गुस्से से कहा, उसे बाहर लाओ। लड़की को वो बाहर ले आया। मेजर ने उसे इशारे से कहा कि गाड़ी में बैठो। वो खामोशी से गाड़ी में बैठ गई। मुझे ये कहकर छुट्टी दे दी गई कि 8 बजे सुबह पुलिस इंटेलिजेंस के दफ्तर पहुँच जाऊँ। मैं हैरान और परेशान अपने थाने को रवाना हो गया। मिलिट्री पुलिस ने जो कार्रवाई की वो आपके लिए दिलचस्प नहीं होगी। मैं आपको इस वाकये का यह हिस्सा सुना देता हूँ कि मुझे अगवा करने का ड्रामा किस तरह खेला गया। ये मुझे बाद में मोहम्मद खान ने सुनाया था। मैंने सूबेदार मोहम्मद खान से कहा था कि वो कर्नल जॉनसन के दिल में अपना एतमाद पैदा करें, जो उसने नहायत खुश असलूबी और कामयाबी से कर लिया। उसने एक नौजवान और तालीम याफ्ता तवाइफ को कर्नल जॉनसन को पेश किया। दूसरा काम ये किया कि मैं कर्नल जॉनसन से दूसरी बार तहकीकात करने गया तो मोहम्मद खान हमारी बातें दूसरे कमरे में खड़ा सुनता रहा। उसने देखा कि कर्नल गुस्से में आ गया। मैं वहाँ से वापस आया तो मोहम्मद खान ने कर्नल के साथ मेरे खिलाफ बातें की और कहा, साहब बहादुर, मैं आपकी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं इस इंस्पेक्टर को कत्ल कर दूंगा। मुख्तसर ये कि उसने नहायत थोड़े से वक्त में कर्नल जॉनसन पर एतमाद जमा लिया। ये कामयाबी उसने कैसे हासिल की, इसकी तफसीलात बहुत तवील हैं। मोहम्मद खान गैर मामूली तौर पर ज़हीन आदमी था। कर्नल जॉनसन ने उसे किसी तरीके से आजमाया भी था। 2 दिनों में मोहम्मद खान कर्नल के जासूसी रिंग का मेंबर बन चुका था। कर्नल ने इसे 500 रुपये नकद दिया और उसे बताया कि एक मिशन का इसे 1000 रुपया मिलेगा। मेरे मुतालिक इन लोगों को यकीन हो गया था कि मैंने इनकी दुखती रख पकड़ ली है और उन्हें नहीं छोड़ूंगा। मुसलमान मेजर ने कर्नल जॉनसन को मेरे मुतालिक बताया कि इस इंस्पेक्टर को रास्ते से हटाना ज़रूरी है। इसके 2 तरीके हैं, एक रिश्वत और दूसरा ये कि इसे गायब कर दिया जाए। सूबेदार मोहम्मद खान के दिमाग ने काम किया। इसने मशवरा दिया कि इंस्पेक्टर को अगवा करके कत्ल किया जाए और लाश दरिया में फेंक दी जाए। कर्नल जॉनसन के तजुर्बेकार दिमाग ने इसी तरीके को बेहतर समझा और कहा कि अगर इस इंस्पेक्टर को रिश्वत दी गई तो इसका मतलब ये होगा कि हमने उसे यकीन दिला दिया है कि हम जुर्म कर रहे हैं। फिर ये शख्स हमसे आए दिन रिश्वत तलब करेगा और ब्लैकमेलिंग जारी रखेगा। इसका वाहिद इलाज यही है कि इसे गुम कर दिया जाए। सूबेदार मोहम्मद खान ने इस स्कीम में सबसे ज़्यादा दिलचस्पी का इजहार किया और पेशकश की कि इस काम में वो सबसे आगे रहेगा। उसने मुझे बताया कि कर्नल जॉनसन ने कहा था कि उसने पुलिस स्टेशन से मालूम कर लिया है कि इनके खिलाफ कोई रिपोर्ट रजिस्टर नहीं की गई, इसलिए इंस्पेक्टर के लापता हो जाने से केस भी लापता हो जाएगा। सूबेदार मोहम्मद खान ये मालूम नहीं कर सका कि पुलिस स्टेशन में कर्नल का कौन एजेंट था जिसने उसे ये बता दिया कि कोई केस रजिस्टर नहीं हुआ। हो सकता है बाहर के किसी एजेंट ने पुलिस स्टेशन के किसी जुम्मेदार फर्ज से दोस्ती कर रखी हो। जासूसों के हाथ बड़े लंबे होते हैं। फिर हिंदू लड़की को मैंने थाने में बुला लिया। उसकी रिपोर्ट मुसलमान मेजर और कर्नल जॉनसन को मिल गई।
फिर मैंने लड़की को शख्सी ज़मानत से पाबंद करके घर भेजा तो ये इतला भी कर्नल जॉनसन को पहुंच गई। इस सूरत हाल में इन लोगों के लिए ज़रूरी हो गया कि मुझे कत्ल करके मेरी लाश गायब कर दें। मोहम्मद खान को यही तरीका कार पसंद था क्योंकि वो इस गिरोह को जुर्म करते हुए ऐन मौके पर गिरफ्तार कराना चाहता था। मुसलमान मेजर यानी कि मकतूल ने बड़ी मुसरत से कर्नल जॉनसन को बताया कि मैंने उसे इकबाली जुर्म करने और सुल्तानी गवाह बनने के लिए कहा है। इसी पेशकश से फ़ायदा उठाते हुए तय पाया कि मेजर मुझे इकबाली जुर्म के मुतालिक बातचीत के लिए घर बुलाएगा और वहां से मुझे अगवा कर लिया जाएगा। सूबेदार मोहम्मद खान ने मुझे बताया कि कर्नल जॉनसन इस कदर दानिशमंद आदमी था जितना कोई इंसान तस्लीम भी नहीं कर सकता, लेकिन खुदा ने इसकी अकल पर ऐसा पर्दा डाला कि वो मोहम्मद खान की बातों में आ गया। उसे ये तो इल्म ही नहीं था कि मोहम्मद खान इंटेलिजेंस का सूबेदार है। कर्नल इसे रिसाले का पुराना सवार समझ रहा था और उसने मोहम्मद खान के मुतालिक ये राय कायम की थी कि पुराना सिपाही होने की वजह से वो तजुर्बेकार और अकलमंद हो गया है। ये कर्नल जॉनसन की पहली और आखिरी गलती थी। आखिर अगवा पार्टी में तीन आदमी रखे गए, एक सूबेदार मोहम्मद खान था, बाकी तो मोहम्मद खान के लिए नए चेहरे थे। वो फौजी नहीं थे, एक हिंदू और दूसरा एंग्लो इंडियन था, दोनों जवान थे। कर्नल जॉनसन इस स्कीम की कमांड खुद करना चाहता था, उसे पकड़े जाने का खतरा था ही नहीं। उसने कहा कि कार वो खुद चलाएगा, तय ये हुआ था कि मुझे अगवा करके दरिया तक ले जाएंगे, मेरा गला घोट दिया जाएगा और मेरी लाश के साथ बड़े बड़े तो पत्थर बांधकर दरिया के वस्त में उस जगह फेंका जाएगा जहां सर्दियों में भी पानी गहरा रहता है। मुसलमान मेजर का काम इतना ही था कि मुझे अपने बंगले में बुलाएगा और शाम से पहले वो अपने अर्दली और खानसामा को छुट्टी दे देगा ताकि घर में वो अकेला रहे। मुझे टेलीफोन पर मेजर ने बुलाया, मैंने कह दिया कि आऊँगा। सूबेदार मोहम्मद खान ने मुझे बताया कि मेजर ने उन्हें इतला दे दी थी ये पार्टी मेरे वहाँ पहुँचने से तकरीबन निसफ घंटे पहले बंगले के अहाते में पहुँच गई। उन्होंने अंदर से एक आदमी को बरामदे में आते देखा, रोशनी नहीं थी। इस आदमी ने बंगले में कार में दाखिल होते देखी तो वो फाटक की तरफ आने की बजाय बाएं तरफ को दौड़ा और फसील फलांग कर गायब हो गया। इन लोगों ने कार रोक ली। स्कीम के मुताबिक इस वक्त बंगले में मेजर के सिवा किसी और को नहीं होना चाहिए था। यह हैरत वाली बात थी कि ये कौन था और भाग क्यों गया। कर्नल जॉनसन ने यह खतरा जाहिर किया कि शायद मेजर खुद भाग गया है और इस पार्टी को फांसने का एहतमाम हो रहा है। कार फाटक के करीब ही रोक ली गई। बहुत सोच विचार के बाद सूबेदार मोहम्मद खान ने पेशकश की कि वो अंदर जाके देखता है कि अंदर क्या है। उसने अकेले अंदर जाकर देखा, उसे मेजर मरा हुआ नजर आया। उसने बाहर आकर कर्नल जॉनसन को बताया। वो गहरी सोच में पड़ गया, कुछ देर वहीं खड़े रहे कि आगे जाएं या नहीं। एक टांगे की आवाज़ सुनाई दी, ये मेरा अपना था, मैंने टांगा बंगले से दूर रुकवा लिया था। वहाँ मेरा एक मुखबिर घूम रहा था, मैं उससे रिपोर्ट लेने के लिए रुक गया था। सूबेदार मोहम्मद खान ने फाटक में आकर मुझे देख लिया कि मैं एक आदमी के साथ बातें कर रहा हूँ। वहाँ सड़क की बत्ती रोशन थी। मोहम्मद खान ने मुझे पहचान कर कर्नल जॉनसन से कहा, इंस्पेक्टर आ रहा है, जो होना है और होगा और जो होता है वो देखा जाएगा, इसे उड़ाओ। कर्नल जॉनसन ने कार चलाई और बरामदे के करीब जाकर रोकी। ये चारों कार से निकलकर अंदर चले गए और ड्राइंग रूम के साथ वाले कमरे में रुक गए। सूबेदार मोहम्मद खान इस स्कीम को मुलतवी नहीं करना चाहता था क्योंकि उसने मिलिट्री इंटेलिजेंस को इतला दे रखी थी कि रात फलां वक्त पर एक कार दरिया की तरफ जाएगी। इसमें वो खुद जासूसों की पार्टी के मेंबर की हैसियत से पार्टी के साथ होगा। इस कार में छावनी के थाने का SHO अहमद यार खान रस्सियों में बंधा हुआ ले जाया जा रहा होगा और कार का ड्राइवर कर्नल जॉनसन होगा। मिलिट्री इंटेलिजेंस ने मिलिट्री पुलिस के गोरे एक खास मकाम पर शहर से बाहर कार रोकने के लिए तैयार कर लिए थे। मोहम्मद खान को मालूम था कि मिलिट्री पुलिस इस मकाम पर पहुंच चुकी होगी, इसलिए ये स्कीम रुकनी नहीं चाहिए। कर्नल जॉनसन इसे मुलतवी करने की सोच रहा था, लेकिन मोहम्मद खान ने गैर मामूली दिलेरी का मुशाहरा करके उसे अपने साथ घसीट लिया। मैंने बंगले के दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाज़ा खोलने वाला इस पार्टी का एक हिंदू मेंबर था, उसने मुझे ड्राइंग रूम तक पहुंचा दिया। इसके बाद जो कुछ हुआ वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। उस मकाम पर जहां मिलिट्री पुलिस ने रास्ता रोक रखा था, कार नीचे उतर गई। मोहम्मद खान ने जब देखा कि मिलिट्री पुलिस की गाड़ी ताकू में करीब आ गई है तो वो पिछली सीट से उठा
और हाथ लंबा करके कार की चाबी घुमाकर इंजन बंद कर दिया। कर्नल जॉनसन ने घबरा कर पूछा, ये क्या है? इतने में कार रुक गई और मोहम्मद खान ने रिवॉल्वर निकाल कर सबको हैंड्स अप पर चैलेंज किया। कर्नल जॉनसन कार से निकलकर भागने लगा। उस पर रिवॉल्वर की गोलियां फायर की गईं। उसने जवाबी फायर किया, लेकिन टांग में गोली लगने से उसने हथियार डाल दिए और दो गोरे उसे पकड़ लाए। सूबेदार मोहम्मद खान की स्कीम बेमिसिल और कामयाब थी। कर्नल जॉनसन के मुताबिक पता चला कि वो जर्मन था और 1923 में इंग्लैंड में गैर कानूनी तौर पर दाखिल हुआ और फिर वहीं रहा। उसे लोग अंग्रेज समझते रहे। गैर मामूली जहानत की बदौलत उसे बरतानवी फौज में कमीशन के लिए मुंतखब कर लिया गया। वहां उसका रबता जर्मन जासूसों के साथ था। 4 साल गुजरे, उसे हिंदुस्तान भेज दिया गया था। यहां उसने जासूसी का एक मकामी गिरोह बना लिया जिसमें मुसलमान मेजर और ये हिंदू लड़की भी शामिल हो गए। कर्नल जॉनसन का कोर्ट मार्शल हुआ, उसे उम्र कैद देकर इंग्लैंड भेज दिया गया था। हिंदू लड़की, एंग्लो इंडियन और हिंदू का मुकदमा कभी भी कोर्ट में नहीं गया। मेरा ख्याल है कि तहकीकात में इन्हें अजियतें दे देकर मार दिया गया होगा। सूबेदार मोहम्मद खान को पंजाब के नहरी इलाके में एक मुरब्बा ज़मीन और 2000 रुपये नकद इनाम दिया गया। मुझे फ़ौज की तरफ से एक तारीफी खत के साथ 3000 रुपये नकद इनाम दिया गया और 2000 रुपये अपने महकमे ने इनाम दिया। इन इनामात से अंदाज़ा होता था कि जासूसों का ये गिरोह बहुत ही खतरनाक था। मुझे ये नहीं बताया गया कि गिरफ्तारी तक वो अंग्रेज़ों को कितना नुकसान पहुंचा चुके थे। मोहम्मद खान ने भी कुछ नहीं बताया था क्योंकि ये फौजी राज था, वरना जासूसों को गिरफ्तार करना कोई ऐसा कारनामा नहीं समझा जाता था कि उसके सिले में इनाम दिए जाते। मगर ये इनाम मुझे बहुत महंगा पड़ा क्योंकि ये केस तो ख़त्म हो गया, लेकिन इससे एक और केस निकल आया जिसने मेरी जान भी खा ली। ये था मुसलमान मेजर का कत्ल। मैंने इसकी तफ्तीश से जान छुड़ाने की एक कोशिश की कि मिलिट्री इंटेलिजेंस वालों से कहा कि मुझ पर ये मेहरबानी करो कि मुझसे 3000 रुपया वापस ले लो और इसके एवज ये लिख दो कि इस मेजर को उसके साथ ही जासूसों ने कत्ल किया है। मगर अंग्रेज़ कानून के मामले में दयानतदार होते थे। उन्होंने कहा कि वो तफ्तीश कर चुके हैं, कत्ल का जासूसी के साथ कोई ताल्लुक नहीं। मेरे लिए दूसरी मुश्किल ये पैदा हो गई कि मेजर मकतूल के बाप ने थाने में आकर रिपोर्ट दर्ज करा दी कि मेरा बेटा कत्ल हो गया है। उसने मकतूल के ससुराल पर पुख्ता शक का इजहार किया। इन हालात में मुझे कत्ल की तफ्तीश करनी पड़ी। ये एक ड्रामा था जिसने मुझे जज्बाती तौर पर हिलाकर रख दिया। मिलिट्री इंटेलिजेंस और मिलिट्री पुलिस के कोरे अपने मुजरिमों को लेकर चले गए और मेरे लिए मुसलमान मेजर की लाश छोड़ गए। उन्होंने मुझे 8 बजे सुबह अपने दफ्तर बुलाया था, मुझे इतनी सी भी मोहलत न दी कि मेजर की लाश के मुतालिक ज़रूरी कार्रवाई कर लेता और जाए वारदात का और इसके इर्द गिर्द का मुआयना कर लेता। ये बहुत ज़रूरी था। मौका वारदात पर फौरन पहुँचो तो कोई ना कोई इशारा, खुरा या सुराख मिल ही जाता है। वक्त गुजरने के साथ साथ वारदात पर तेज़ी से पर्दे पड़ते चले जाते हैं। मैंने अपने एसआई को मेजर के बंगले पर बुला लिया था। वो रघुवीर सिंह नाम का एक राजपूत था। तफ्तीश के मामले में दयानतदार तो नहीं था, लेकिन तफ्तीश की बारीकियों को खूब समझता था। इसके अलावा वो मेरी आदत और उसूल से भी वाकिफ था। मैंने उसे चाय पानी से कभी नहीं रोका था, लेकिन संगीन वारदातों में उसे हेरा फेरी और सुस्ती की इजाज़त कभी नहीं दी थी। मुसलमान मेजर का कत्ल एक संगीन वारदात थी। वो फौरन बंगले पर आ गया। उसे अभी मालूम नहीं था कि मुझ पर क्या गुजरी है। मिलिट्री इंटेलिजेंस के अंग्रेज़ अफसरों को और मेजर की लाश देखकर वो घबराया। मैंने उसे बताया कि मुझे सुबह 8 बजे मिलिट्री पुलिस के हेडक्वार्टर में जाना है जहां सारा दिन गुजर जाएगा। इसलिए वो मकतूल की लाश का पोस्टमार्टम कराए और दीगर इब्तदाई कार्रवाई मुकम्मल करे। उसने मेरी बात काट कर मुझसे पूछा, इन अफसरों ने केस सिविल पुलिस को देने के मुतालिक कोई तहरीर दी है? ये केस उनका है, हमारा नहीं। मकतूल फौजी है और फौजी बंगले में कत्ल हुआ है। ये मिलिट्री पुलिस का केस है। मैंने केस का ये पहलू तो सोचा ही नहीं। मेरी जान में जान आई। मैंने अंग्रेज़ मेजर से कहा, ये फौज का केस है, इसकी तफ्तीश मिलिट्री पुलिस करेगी, मैं इसकी लाश नहीं उठवाऊँगा। ये केस आपको ही लेना पड़ेगा। अंग्रेज़ मेजर ने कहा, हम लोग बहुत मसरूफ हैं, सुबह ये केस तुम्हें सरकारी तौर पर मिल जाएगा। FIR पर किसका नाम होगा?
मेरा, मेजर ने जवाब दिया। रिपोर्ट ब्रिगेड हेडक्वार्टर की तरफ से होगी, तो मेरी रिपोर्ट और सरकारी चिट्ठी सुबह 9 बजे तक मिल जाएगी। तफ्तीश फौरन शुरू कर दो। मैं इस केस से जान छुड़ाने की सूरत निकाल सकता था, लेकिन एक देसी थानेदार अंग्रेज बादशाह के हुक्म को टालने की जरूरत नहीं कर सकता था। दरअसल ये अंग्रेज मेजर मेरी ही तरह इस केस से जान छुड़ा रहा था। उसके सामने जासूसी की इस वारदात की बड़ी लंबी और पेचीदा तफ्तीश थी। कर्नल जॉनसन और उसके एक हिंदू और एंग्लो इंडियन साथी को मिलिट्री पुलिस ने मेरे अकवाम में पकड़ा था। जासूसी की तफ्तीश इन्हें अभी करनी थी, इसीलिए वो मेजर के कत्ल की तफ्तीश मेरे सर डाल रहा था। मैंने सरकारी हुक्मनामे के इंतज़ार में वक्त ज़ाया करना मुनासिब न समझा। रघुबीर सिंह से कहा कि वो लाश के इर्द गिर्द गौर से देखे, तमाम कमरों को देखे। सूबेदार मोहम्मद खान के बयान के मुताबिक एक आदमी अंदर से निकला और दाएं तरफ दौड़कर फसील फलांग गया था। रघुबीर सिंह को मैंने हिदायत दी कि वो खुरे तलाश करे जहाँ से वो आदमी फसील से कूदा था। इस जगह को देखे, कोई चीज़ कितनी ही बेकार क्यों ना नजर आए उठा ले। इस तरह की कई और हिदायत देकर मैंने केस रघुबीर सिंह के हवाले कर दिया। वो मेरा अंदाज और तरीका तफ्तीश समझता था, फिर भी मुझे डर था कि वो किसी अहम सुराग को नज़रअंदाज ना करते। ऐसे सुराग एक बार गुम हो जाएं तो फिर मिला नहीं करते।